चलो स्टार्ट करें। चलो लास्ट डे हमारा चैप्टर शुरू हुआ था कॉस्ट शीट। आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट का तीसरा क्लास, पर पहला दो क्लास में जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखें तुम लोग पहला दो क्लास कितना पढ़ के आया है। पहला दिन हम लोग पढ़े थे कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। स्टार्ट करना, इट डिनोट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ यूज बाय फॉर। नेक्स्ट हम लोग पढ़े ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कुल मिलाकर था चार। पहला प्रोडक्ट वाइज सेल मिला, कॉस्ट मिला, जैसे प्रॉफिट मिला कौन तैयार है क्या लेने के लिए, कितना लेगा, दो या तीन। पहला लॉस मेकिंग को क्या करे या क्या करे। अगला प्रॉफिट मेकिंग एक रेशियो निकालो, जिसका रेशियो उसके सेल को, ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा क्या था, चलो वेरी गुड। हाँ, इफ पॉसिबल। यह है हमारा पहला क्लास। सेकेंड क्लास में पढ़े पूरा पूरी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। आप जरा देखें, कोई नीचे मत देखना। मेरे को पहले बताओ, कॉस्ट शीट जो हम लोग बनाते हैं टोटल में बनता है या प्रोडक्ट वाइज। मेरा कॉस्ट शीट का पहला लाइन क्या, मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा। मेरा सेकेंड लाइन क्या, डायरेक्ट वेजेस एक फैक्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट के वर्क, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तीसरा वाला क्या, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का दो नाम और था, चार्जेबल एक्सपेंस और ट्रेसेबल एक्सपेंस। ये तीनों मिला के क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट। में प्राइम का मतलब क्या, प्राइमरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एसेंशियल। इसके अंदर हम लोग नहीं, ऑप्शन नहीं था, तीनों है। प्राइम कॉस्ट के अंदर को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड, जिसका नाम क्या, एक सेकंड ब्लर आ रहा है, एक से नंबर ब्लर हो गया। ब्लर हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है। नो नो इट्स फाइन, चलो ठीक है। प्राइम कॉस्ट क्या था, हम लोग ऐड करेंगे मेरा पहला ओवरहेड, जिसका नाम क्या है, मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का तीन नाम और था। माइनस करेंगे सेल ऑफ, अब दो एडजस्टमेंट करेंगे एड, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, एक पैकिंग कॉस्ट आएगा। याद है सेकेंडरी वाला कहां जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा फैक्ट्री का काम हो गया, क्या आएगा, फैक्ट्री या फिर बॉक्स कॉस्ट। सेकेंड मेरे को चाहिए हेड ऑफिस का खर्चा। ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, क्या लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो ऑफिस ओवरहेड आया ये लॉजिकल था या इलॉजिकल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को करना है दो एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग एसजी लेस करेंगे क्लोजिंग एसजी, क्या मेरे को मिलेगा, सीओजीएस। उसके बाद मेरे को ऐड करना है मेरा आखिरी ओवरहेड, मेरे को क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल, एड प्रॉफिट क्या आने वाला है, सेल। अब पूरे कॉस्ट शीट को बनाने के दौरान हो सकता है हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक एफजी वैल्यू ना दे, और बाय चांस क्लोजिंग एफजी का वैल्यू नहीं दिया है तो घबराना मत। दो स्टेप में काम करेंगे, पहला स्टेप में निकालेंगे कितना यूनिट बनाए। ये कैसे आने वाला, एक सिंपल सा इक्वेशन था, ओपनिंग में एफजी क्या, एड और कितना बनकर आया, माइनस क्लोजिंग में जो पड़ा रह गया बाकी बेच दिए। और याद है हम लोग का क्लोजिंग एफजी को कैलकुलेट करने के लिए चार मेथड था। पहला मेथड, सेकेंड वाला, तीसरा वाला, लास्ट वाला। फीफो का मतलब क्या, चलो ठीक, हम सोचा फंसा देंगे, नहीं फंसा। जो पहले आया वो पहले जाएगा, यानी बचेगा क्या, जो लास्ट में आया था। मेरा लीफो क्या है, जो लास्ट में आया वो पहले गया। सिंपल एवरेज, बड़ा सिंपल है, दोनों रेट का सिंपल एवरेज निकालो और वेटेड एवरेज क्या है, सारे वैल्यू को जोड़ दो डिवाइडेड बाय सारी क्वांटिटी को जोड़ दो। यहां तक पढ़े थे लास्ट डे, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक सेकंड, लोग मेरे को क्यों बोल रहा है कि ब्लर हो रहा है, ब्लर कैसे हो रहा है, एक सेकंड। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पर एक चीज जो मेरे को सही में बड़ा अच्छा लगा कि तुम लोग डेली बेसिस पे भी घर जाके पढ़ रहा है। पिछला दोनों दिन जिस तरीके से तुम लोग घर जाके पढ़ा, बस वैसे ही कंटिन्यू करते चलना। मशीन, सिगरेट बनाने वाला मशीन, आज हम लाना भूल गए, हम कल पक्का लेके आएगा। चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जरा हमारा पहला हेडिंग, तुम लोग सही में देखना चाह रहे हो मशीन, नंबर दे दीजिए याद दिलाने के लिए, नहीं हमको याद रहेगा।
आज चलिए काम करते हैं, अगला हेडिंग लिखते हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट अमंग्स ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। तुम लोगों का बचपन में रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है? ये चैप्टर कैसा लगता है? ठीक ठाक, थर्ड क्लास। चलो, नहीं मेरे को कोई इतना कोई काम नहीं आएगा रेशियो प्रोपोर्शन का। एक बड़ा सिंपल रेशियो, एक नंबर देगा उसको बोलेगा टू स्टोन में बांट दो, बस ऐसा ही। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। लिखना क्या, हम भी लिख रहे हैं अपोर्शनमेंट अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट अमंगस्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। मेरा अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट अमंगस्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। अब देखो इसके अंदर मैंने तीन बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी शब्द यूज किया गया है। मेरा पहला वर्ड है अपोर्शनमेंट, अगला है ज्वाइंट कॉस्ट, तीसरा है ज्वाइंट प्रोडक्ट। कोई मेरे को बताओ अपोर्शनमेंट का मतलब क्या? अपोर्शन करना माने क्या? डिस्ट्रीब्यूट करना या बांटना, बोलते ना अपोर्शन करो। मालूम है केक लेकर आएगा, तुम लोग में बांट देगा, तुम क्या करेगा, एक छोटे से केक को हम सब में बांटेगा, तुम क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो मेरा अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना। क्वेश्चन उठता है क्या चीज को करना है? ज्वाइंट कॉस्ट को। किसके बीच में करना है? ज्वाइंट प्रोडक्ट के बीच में। अब देखो इसका मतलब क्या, मान लो हमारा एक फैक्ट्री है जिसमें खाली एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है सिगरेट, तो जीवन बड़ा आसान है। और मान लो एक फैक्ट्री के अंदर में एक ही प्रोडक्ट बनता है ना, तो फैक्ट्री में जितना भी खर्चा लगा वो खाली सिगरेट के लिए लगा है, तो जीवन में कोई झमेला नहीं। पता है झमेला कब होता है? जब एक फैक्ट्री के अंदर में एक नहीं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाए। मान लो मेरा एक फैक्ट्री है जिसके अंदर में आशीर्वाद आटा भी बनाए, सनफीस्ट भी बनाए, बिंगो भी बनाए, यानी मेरा जितना भी खर्चा लग रहा है फैक्ट्री में वो किसी एक के लिए थोड़ी लग रहा है, वो तो तीनों के लिए लगा। और अगर तीनों के लिए लगा है, मेरे को करना क्या है? तीनों में बांटना है। क्वेश्चन उठता है तीनों में क्यों बांटना है? ताकि मेरे को तीनों का अलग अलग कॉस्ट पता चले। जब तक अलग अलग कॉस्ट पता नहीं चलेगा, प्रॉफिट एड करके अलग अलग सेलिंग प्राइस निकालेंगे कैसे? यानी कभी भी अगर एक फैक्ट्री के अंदर में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट, और वैसे फैक्ट्री में जितना भी खर्चा लगता है वो कॉस्ट को बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। मेरे को करना क्या है? उस ज्वाइंट कॉस्ट को सारे प्रोडक्ट के बीच में बांटना है। क्वेश्चन उठता है कौन से रेशियो में बांटेंगे? जो रेशियो क्वेश्चन बताएगा उस रेशियो में बांट देंगे। जैसे अब यह सारा कैलकुलेशन होगा कैसे, ये पूरे के पूरे टॉपिक हम लोग समझते हैं एक छोटा सा इलू से। नीचे लिखा इलू मने इलस्ट्रेशन। इलू वन से तुम क्या सोची? चलो एक काम करना, नीचे लिखना इलू वन। स्टार्ट करते हैं ये वीकेंड सुबह सुबह इलू के साथ। कल एक्स को याद किया, आज इलू कर रहे हैं, अब बड़े हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। पहला लिखना इलू वन। मान लो मेरे एक फैक्ट्री के अंदर में कुल मिलाकर मटेरियल कॉस्ट लगता है 1,00,000। मान लो मेरे फैक्ट्री में कुल मिलाकर मटेरियल कॉस्ट लगता है 1,00,000, और ये फैक्ट्री में मान लो हम दो चीज बना रहा है, एक प्रोडक्ट ए, एक बना रहे हैं प्रोडक्ट बी, मान लो एक पेन एक पेंसिल। ठीक, साल भर में कितना यूनिट बनाए? प्रोडक्शन ऑफ ए चालीस 40,000 यूनिट, और बी का हम लोग बनाए हैं 20,000 यूनिट। ठीक, ए का बनाए हैं 40,000 यूनिट, बी का बनाए हैं 20,000 यूनिट। मेरे को करना, तुम लोग पहले एक बात दो, ये जो मटेरियल कॉस्ट लगा है 1,00,000 फैक्ट्री में, क्या लगता है ये खाली ए का था या खाली बी का था या दोनों का था? और अगर दोनों का था, मेरे को दोनों में बांटना पड़ेगा। देखकर बताओ किस रेशियो में बांटेंगे। ये रेशियो कैसे आया? ए का बनाए 40,000, बी का बनाए 20,000, यानी कौन से रेशियो में यूनिट बनाया है? 2:1। इस 1,00,000 को 2:1 में बांट देंगे। तुम लोग को 2:1 में बांटना आएगा? तुम लोग कल बोला ना मैथ पसंद नहीं है, जरा एक बार बांट के बताओ।
कैलकुलेटर यूज कर रहा है मेंटल मैथ्स? अच्छा मेंटल मैथ्स, नीचे लिखते हैं सोलूशन। मेरा पहला बात रेशियो क्या आने वाला है 40,000 एंड 20,000 जो आएगा 2:1। मेरा रेशियो क्या आने वाला है 2:1, यानी कुल मिला के जो 1,00,000 रुपया लगा है वो दोनों के लिए लगा है, दोनों में बांटने वाले हैं कौन से रेशियो में 2:1 में। तो बताए मेरा मटेरियल कॉस्ट ए में कितना लगेगा? चलिए काम करें 1,00,000 को बांटते हैं 2:1 में यानी इंटू 2/3, और बी में आने वाला है 1 वाला पोर्शन 1,00,000 इंटू 1/3। तुम लोग को आता है ना बांटना 2:1 में? प्रॉमिस बोलो, पक्का ना? ये वैल्यू आने वाला है 66667 और ये वैल्यू आने वाला है 33333। वेरी इजी, कुछ भी दे हो ही जाएगा, कोई भी क्वेश्चन दे हो ही जाएगा। करना एलूट टू, करना एलूट टू। मान लो मेरा मटेरियल कॉस्ट है 80,000। तुम लोग ने मेरे को चैलेंज किया, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। बोलो, वेरी गुड। अब वही हम लेके आ रहे हैं एलूट टू में, वहां पे कुछ बोला नहीं तुम, तो माने दोनों में सेम लग रहा है, अब इलू टू में उसको अलग कर देगा। चलो देखते हैं, मान लो यहां लिखते हैं, मान लो यहां लिखते हैं प्रोडक्शन ऑफ ए, मान लो यहां पे लिखते हैं प्रोडक्शन ऑफ ए 4,000 यूनिट, बी का है 3,000 यूनिट। मान लो ए का बनाए 4,000 यूनिट, बी का बनाए 3,000 यूनिट। अगर मान लो क्वेश्चन यहीं पर खत्म, तो एक और बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। मेरा रेशियो अक्षियों से दिख रहा है क्या आने वाला है 4:3, 80,000 को 4:3 में बांटना है। पर वेट, जीवन इतना भी आसान नहीं है। अगला लाइन लिखना, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स ट्वाइस द मटेरियल पर यूनिट ऑफ बी, यानी मेरा हर एक यूनिट ऑफ ए को बनाने में मटेरियल लगता है ट्वाइस आज जितना मेरा हर एक यूनिट ऑफ बी को बनाने में लगा है। अब तुम लोग मेरे को बताओ ये 80,000 को बांटने का रेशियो क्या आएगा? पहला बोली आया है 2:1, अगला बोली आया है 8:3, तीसरा बोली। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आराम से बोली लगाते रहना। मेरा ए का 40,000 बनाए, सॉरी 4,000, बी का 3,000, वेरी इजी। पर आगे बोलता है हर एक ए को बनाने में ना मटेरियल डबल लगता है जितना हर एक बी को बनाने में लगे। अगला बोली आया है 2:3 का, अगला बोली आया है 2:1 का। बताओ तुम लोग के हिसाब से क्या है? ध्यान देना, ये जो 80,000 लग रहा है ये लग रहा है जितना टोटल में यूनिट बना है उस सब के लिए। आज जो मेरा 80,000 लग रहा है वो लग रहा है जितना टोटल में यूनिट बना है सब के लिए। ए का बनाया है 4,000, बी का बनाया है 3,000, पर हर एक ए को बनाने में मटेरियल डबल लगता है जितना बी को बनाने में लगता है। बोलो रेशियो क्या? मेरा मटेरियल कॉस्ट कौन से रेशियो में बांटना चाहिए? चलो हम बताए, आंसर बताए, आप बिना सस्पेंस क्रिएट किए बताए कि थोड़ा सस्पेंस बनाना है? थोड़ा सा सीधा आंसर, इसका राइट आंसर है 2:1 या 8:3 में कोई एक। देखो तो ज्यादा देर नहीं, बस 10 सेकंड तो दो मेरे को। इसका राइट आंसर है आइदर 2:1 या 8:3 में कोई एक। कितने को लगता है 2:1? कितने को लगता है 8:3? तो बोला तो इतना कोई नहीं था जो हाथ उठा दिया। एक बार 8:3 वाले हाथ उठाओ। काफी लोग को लग रहा है 2:1 वाले, बस वापस लास्ट टाइम समझिए किसमें कौन ज्यादा हाथ उठाए। कितने लोग दोनों में हाथ उठाए?
इसका राइट आंसर है, आपको जानकर खुशी मिलेगा, हमारे लाइव ऑनलाइन से आंसर आए 8:3, 2:3, 8:3, ये सब इसका राइट आंसर है। ये दोनों में इसका, नहीं दोनों नहीं, इसका राइट आंसर है, अच्छा चलो ठीक, आई एम रियली सॉरी, इसका राइट आंसर है, अच्छा ठीक है जहां मेरा पेन जाके दुखे वो इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका राइट आंसर है 8:3 or 2:1 में 8:3। एक मिनट, इसका राइट आंसर है 8:3, पहले बताओ ये आया कैसे, एक्स ले ली, जरूरत नहीं था एक्स का, क्यों याद की, अच्छा तुम वैसे की, चलो ठीक है, ठीक है, देखो हम बताते हैं इसका आंसर क्या, एक सेकेंड सुनो ना, मेरे को कोई एक कोई पेंसिल वेंसिल है क्या, कोई छोटा सा पेंसिल दो ना, हाँ छोटा सा, हाँ वेरी नहीं छोटा सा, हाँ चलो देखो, मान लो ये है ए और ये है बी, अब पता है दिखने से समझ में आ रहा है यार इसको बनाने में ना मटेरियल ज्यादा लगा होगा, और क्वेश्चन ने क्लियरली बताया है हर एक ए को बनाने में मटेरियल क्या लगता है, डबल जितना बी को बनाने में लगा, जैसे अगर इसको बनाने में लगता है एक्स, इन्होंने कहा एक्स तो हम एक्स को याद कर लेते हैं, अगर मान लो एक को बनाने में लगता है एक्स तो इसको एक को बनाने में क्या लगने वाला है 2x, ये तो ध्यान देना एक के लिए था, एक यूनिट को बनाएंगे अगर b में लगता है x तो a में लगेगा डबल यानी 2x, पर ध्यान देना ये तो एक यूनिट के लिए था, और क्वेश्चन उठता है क्या पूरे साल भर में हम लोग क्या खाली एक यूनिट बनाए, a का कितना बनाए हैं 4000, b का बनाए हैं 3000, एक को बनाने में लगा है 2x तो 4000 को बनाने में क्या लगेगा 4000 × 2x, यहां पर एक को बनाने में लगता है एक्स तो 3000 को बनाने में क्या लगेगा 3000 × x, यानी टोटल इतना मटेरियल लगेगा, यानी कुल मिला के मटेरियल लगेगा 8000x, यहां लगेगा 3000x, तो जो कुल मिला के मेरा खर्चा लगा वो तो जितना टोटल यूनिट बनाए पूरा पे लगा, तो यहां पे कितना लगा 8000, यहां क्या लगा 3000, रेशियो क्या आएगा 8:3, यानी जब भी कभी क्वेश्चन में कोई भी पर यूनिट रेशियो देना पहले पर यूनिट रेशियो सोचना, फिर तुरंत दिल से पूछना क्या साल में खाली एक यूनिट बना, ऑब्वियस होता है जितना यूनिट बनाए उससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा कि टोटल मिला के मेरा मटेरियल क्या लगा है, तो एक काम करें यहां पे निकले हैं सोल्यूशन में रेशियो, हमेशा पहले देखना एक यूनिट में ए में लगता है ट्वाइस जो बी में लगा, तो बी में लगा 1 तो ए में लगा 2x, 1 × 2, अगर एक्स ना ले 1 और 2, ये था एक यूनिट का, ए का कितना बनाए 4000, बी का कितना बनाए 3000, यानी रेशियो क्या आएगा 8:3, बोलो क्लियर है, और चैलेंज करना है मुझे, चैलेंज करना है, हाँ करना है, चैलेंज एक्सेप्टेड, L3 नीचे लिखा, L3 ये लीजिए अपना पेंसिल, चलो अगला लिखते हैं L3, ये 80,000 को बांटने का काम तो हो जाएगा, मेन हम लोग रेशियो निकालने में फोकस करते हैं, मान लो प्रोडक्शन ऑफ ए 3000 यूनिट, बी का है 2000 यूनिट, मटेरियल पर यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स थ्राइस द मटेरियल ऑफ पर यूनिट ऑफ बी, यानी मेरा हर एक यूनिट ऑफ ए को बनाने में मटेरियल लगता है थ्राइस जितना हर एक यूनिट ऑफ बी को बनाने में लगा है, तुम क्या पर यूनिट मटेरियल पर यूनिट ऑफ बी, फटाफट मेरे को बताना हमारा रेशियो क्या आएगा, पहला बोली आया है 9:2, बताओ अगला बोली 9. पहले हमेशा एक यूनिट का रेशियो लिख दो फिर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे को क्या मिल जाएगा फाइनल रेशियो, हम बताएं इसका आंसर क्या आएगा, मटेरियल पर यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्ड थ्राइस, थ्राइस माने क्या
थ्री टाइम्स, यानी अगर ए बी में लगता है वन, ए में क्या लगेगा थ्री। ये तो आया एक यूनिट का, कितना यूनिट बना है 3000 2000 मल्टीप्लाई कर, पता मेरा रेशियो क्या आ जाएगा 9:2। ठीक, सुनो ना, तुम लोगों को 9:2 राइट आया था मेरे बताने के पहले, मेरे बताने के पहले कितनों का राइट था, यानी आप लोग को आगे आप लोग मुझे चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्टेड। आज का लास्ट इलू फोर गेम ओवर। एक सेकेंड, मुस्कान का है 9:3, तू 3:2 नहीं बोल देती, पर 9:3 आया कैसे मुस्कान? अच्छा नहीं नहीं, उसका 9:2 है, पूरा नेक्स्ट टाइम में लिखिए। चलो नीचे लिखते हैं इलू फोर प्रोडक्शन ऑफ ए, तीन हजार यूनिट, बी का है 1800 यूनिट्स। सर टाइपिंग गलत हो गया, सर सॉरी, इट्स ओके। ए का बनाए 3000, बी का बनाए 1800, अब लिखते हैं मटेरियल पर यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स, मटेरियल पर यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 60% ऑफ मटेरियल पर यूनिट ऑफ बी। यानी हर एक यूनिट ऑफ ए को बनाने में मटेरियल क्या लगता है 60% जो बी को बनाने में लगे। यानी अगर बी को बनाने में लगेगा 1 तो ए में लगेगा 1 का 60%, या एक यूनिट का। बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, मेरे को क्या मिलेगा मेरा फाइनल रेशियो। आपके पास समय है 30 सेकेंड, नहीं बाकी लोग भी कर रहे हैं, अरे ऐसे कैसे छोड़ो रे। एक बार रेशियो कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। ठीक है बाकी लोग भी करो। हमारे लाइव ऑनलाइन में आंसर आ रहा है 1:1। क्या लिखा हुआ है? मटेरियल पर यूनिट ऑफ ए रिक्वायर 60% ऑफ पर यूनिट ऑफ बी। यानी बी में अगर लगता है 1, ए में लगेगा 1 का 60%। मेरा 1 का 60% क्या होता है 0.6। ये ध्यान देना, ये आया मेरा एक यूनिट का। कितने यूनिट है 3,800। एक बार ये कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा 1800, ये कितना आएगा 1800। यानी मेरा रेशियो क्या बन जाएगा 1:1। सच्ची सच्ची बताना, ये तुम लोग का मेरे बताने के पहले राइट हुआ था, हुआ था? Yes, कितनों का हुआ था? यानी आपको सब कुछ आ गया है, आप लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार है, ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 7। एक काम करना, क्वेश्चन 7 को लगाना 3 टिक, करते करते ना बीच में 2-3 क्वेश्चन को 2-3 टिक लगवाएगा, बस कुछ कारण है लगवाएगा, क्योंकि वो जो सेम क्वेश्चन है ना एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को 2-3 टिक लगवा देगा। प्लीज एक बार आना पेज नंबर 2.9 क्वेश्चन नंबर 7। हाँ लगाओ 2-3 टिक लगा दो, किसी के क्वेश्चन में 50 टिक लगवाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं पेज 2.9 क्वेश्चन 3, सॉरी क्वेश्चन 7। ये क्वेश्चन हम लोग साथ में पढ़ेंगे, साथ में शुरुआत करेंगे, और बाद में ना तुम लोग को अपने आप करने के लिए छोड़ देगा। ये करने के दौरान तुम लोग ना दो जगह अटकेगा, अगर बाईचांस किसी का दोनों राइट हो गया तो आज उसको मिलने वाला है मेरी तरफ से एक स्पेशल इंसेंटिव 2000 का, 2000 का देंगे, 2000 रुपए का नोट। अब सॉरी 2000 का नोट नहीं, 500 का चार नोट। ठीक, घबराना नहीं, आराम से करना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सर ऑनलाइन वालों का क्या मिलेगा? तुम लोग ही मिलेगा ऑनलाइन वालों के लिए, क्या करें, हमको बुरा बड़ा वो लगता है। ब्लेसिंग से वैसे तो बड़ा क्या है, उनको ब्लेसिंग तो दे देंगे। चलो क्या लिखा हुआ है? मैसर्स शॉ एंड कंपनी
मैन्युफैक्चर करता है दो तरह का पेन, ए एंड बी। यानी मेरे फैक्ट्री में दो तरह का पेन बन रहा है, एक ए एक बी। मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च वर एज अंडर, मटेरियल लगा है इतना, लेबर लगा है इतना, ओवरहेड लगा है इतना। पहले एक बात बताओ, मेरा ये जो तीनों खर्चा लगा ये खाली ए का है या खाली बी का है या दोनों का है? यानी मेरे को सारे कॉस्ट को ए और बी के बीच में बांटना पड़ेगा। बांटने के लिए चाहिए मेरे को रेशियो, वो कहां मिलेगा आपको अगले पेज में। जरा पेज टर्न करना, पलट देखो। पहला लाइन में लिखा हुआ, इट इज असर्टेन दैट कॉस्ट पर यूनिट रेशियोज आर एज अंडर। ध्यान दो, वर्ड है कॉस्ट पर यूनिट। यानी नीचे में जितना भी रेशियो दिया हुआ है वो सारा का सारा रेशियो दिया हुआ है पर यूनिट, एक यूनिट का। तो जब भी कभी एक यूनिट का रेशियो देता था यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे। पहला देखते हैं मटेरियल का। डायरेक्ट मटेरियल इन ए कंसिस्ट ट्वाइस एज मच एज दैट इन टाइप बी। यानी हर एक यूनिट ऑफ ए को बनाने में मटेरियल लगेगा ट्वाइस जितना बी में लगा। तो मान लो बी में लगता है वन, तो ए में क्या लगेगा? टू। पर एक बात बताओ, ये रेशियो टोटल का है या एक यूनिट का है? तो मेरे को अगला चाहिए कितना यूनिट बनाया गया। जरा देखो तो नीचे में कहीं प्रोडक्शन दिख रहा है, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, कौन सा पॉइंट नंबर है? पॉइंट नंबर एफ। एफ में देखो, ए का बनाया 40,000, बी का बनाया 1,20,000। तो भाई एक के लिए है इतना इतना, तो 40,000 के लिए क्या होगा, 1,20,000 के लिए क्या होगा, मेरे को मिल जाएगा मटेरियल कॉस्ट को उस रेशियो में बांट देंगे। सिमिलरली मेरा वेजेस का भी एक रेशियो दिया हुआ है, सिमिलरली मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड का भी दिया हुआ है, एडमिन ओवरहेड का भी दिया हुआ है, सेलिंग ओवरहेड का भी दिया हुआ है। यानी पूरा कॉस्ट शीट बनेगा सारे कॉस्ट को दोनों में बांटते हुए। आया समझ में? करना क्या है? चलो बस खाली पहला लाइन हम लिखते हैं साथ में, फिर आपको खुला छोड़ते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम जो दिया हुआ है, मेसर्स शॉइन कंपनी। मेरे को बनाना क्या है? कॉस्ट शीट ए का, बी का और टोटल। तो कुछ ऐसा बनाते हैं, कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। चलिए यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स। सुनो ना, मेरे को हर एक में रेशियो निकालना पड़ेगा, तो रेशियो के लिए वर्किंग नोट में जाए या यहीं पर दिखा दे? दोनों चलेगा, दोनों में फुल मार्क्स मिलेगा। यही दिखा देते हैं। तो बाजू में ना एक छोटा सा कॉलम बना देते हैं रेशियो का, ए और बी के बीच में बांटेंगे टोटल। ठीक, चलो इस बहाने हमारा कॉस्ट शीट का फिर से रिविजन होगा। मेरा कॉस्ट शीट का पहला लाइन क्या था? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। या ना, रॉ मटेरियल का एक और नाम होता था क्या था? डायरेक्ट मटेरियल। यहां पे क्या वर्ड यूज किया है? डायरेक्ट मटेरियल 4,00,000। मेरा डायरेक्ट मटेरियल टोटल में दिया हुआ है 4,00,000। जो मेरे को क्या करना है? ए और बी के बीच में बांटना है। बांटने के लिए चाहिए एक रेशियो, रेशियो दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में। क्या दिया हुआ है? मटेरियल इन ए कितना लगने वाला है? ट्वाइस जो लगेगा बी में। तो मान लो बी में लगता है 1, ए में लगेगा 2। आए यहां तक? और ध्यान देना, ये जो मेरा रेशियो था ये कितने यूनिट के लिए दिया हुआ है? पर यूनिट, यानी एक यूनिट का। तो जब भी कभी एक यूनिट का रेशियो दे, हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे कितना यूनिट बनाए। ए का कितना बनाए? 40,000। बी का बनाए 1,20,000। सुनो ना, कोई ये रेशियो निकाला है क्या? आ जाएगा 80,000 और 1,20,000, 8 और 12, रेशियो क्या बन जाएगा? 2:3।
अब अभी 400,000 रुपए को जरा 2:3 के रेशियो में बांट के बताओ कितना कितना आएगा। मेरा 4,00,000 को बांटेंगे 2:3 के रेशियो में कितना आने वाला है 1,60,000 एंड 2,40,000। तुम लोगों को बांटना आता है ना, चलो ये आएगा 1,60,000 एंड 2,40,000। चलो डायरेक्ट मटेरियल डन। मेरा डायरेक्ट मटेरियल के बाद मेरा सेकंड लाइन कौन सा आने वाला है, डायरेक्ट वेजेस। चलो अगला लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस। चलो अगला लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का टोटल कितना जरा देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 224। मेरा डायरेक्ट वेजेस का टोटल दिया है 224, ए और बी में बांट रहा है, तो पहले एक यूनिट का रेशियो बाद में यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जरा देखिए डायरेक्ट वेजेस का एक यूनिट का रेशियो कितना है, अगला पेज। अब बी को हमको ऐसे याद नहीं, हमको देखना पड़ेगा, देखते हैं क्या लिखा है। डायरेक्ट वेजेस फॉर टाइप बी वर 60% ऑफ ए, यानी मेरा बी में कितना वेजेस लगने वाला है 60% जो ए में लगेगा। मान लो अगर ए में लगता है 1 तो बी में लगेगा उसका 60%। अगर मान लो ए में लगता है 1 बी में लगेगा उसका 60% यानी 0.6। पर ध्यान देना ये तो एक यूनिट का था, मेरे को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ यूनिट। कितना बनाए थे 40,000 एंड 1,20,000। सही है यहां तक। एक हमें को ये वाला रेशियो बताओ ना कितना आएगा। ये आएगा 40,000। ये वाला आने वाला है 72, तो 40:72 ये मल्टीपल है 8 का, 5:9। एक मिनट, तुम लोगों को आया ना यहां तक समझ में। मेरे को क्या करना है 2,24,000 को बांटना है 5:9 में, तो क्या करेंगे 2,24,000 × 5/14 और दूसरे वाले में क्या करेंगे 9/14। ठीक, एक बताओ ना कितना कितना आया। 80,000 और 1,44,000। याद है मेरे कॉस्टशीट का तीसरा लाइन क्या आने वाला है, डायरेक्ट एक्सपेंस। पहला बात कुछ है क्या, अगर बाय चांस नहीं है तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखकर क्या जीरो लिखेंगे, अंश को चीप लगता है, यानी शॉर्ट दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। चलो एक काम करें ऐड करके निकालते हैं प्राइम कॉस्ट कितना आया। ऐड करके निकालते हैं प्राइम कॉस्ट कितना आया। आई थिंक प्राइम कॉस्ट आने वाला है 160 और 80 मिलाकर 2,40,000। मेरा 2,40,000 और 144 मिलाकर आएगा 384, और शायद लास्ट वाला आने वाला है 624। बोलो आया ना यहां तक। प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए। प्राइम कॉस्ट के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड जिसका नाम क्या है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड का तीन नाम और, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। देखो यहां पे क्या वर्ड यूज किया है, यहां पे वर्ड यूज किया है प्रोडक्शन ओवरहेड 96,000। चलो भाई लिखते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड 96,000। ओवरहेड को हम लोग चाहे ना ऐसे लिख सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड अब्रीविएशन है ओवरहेड को लिखने का, एग्जाम में ये यूज कर सकते हैं। ठीक, मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड का टोटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 96,000। चलो लिखते हैं 96, यहां पे निकालना है रेशियो। रेशियो बताओ 1:1 है या 1:3 है, जरा पढ़े क्या लिखा हुआ है नीचे पॉइंट नंबर सी में। प्रोडक्शन ओवरहेड वॉज द सेम पर पेन, पर पेन दोनों में लगेगा सेम, पर पेन दोनों में लगेगा सेम। अगर ए में लगता है 1 तो बी में भी पर पेन क्या लगेगा 1, पर ध्यान देना पर पेन, हर एक पेन का। अगर ए में लगेगा 1 बी में भी लगेगा 1, पर ये लिखा हुआ है पर पेन यानी पर यूनिट, पर मेरे को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट, जो कितना दिया हुआ है 40 और 120। ये रेशियो कितना आने वाला है 40,000 1,20,000, रेशियो क्या आएगा 1:3। चलिए काम करते हैं 96,000 को बांटते हैं
वन इज टू थ्री के रेशियो में। एक सेकेंड, क्या? अरे एक सेकेंड, ये कुछ कुछ डाउट। हाँ हम डायरेक्ट फेजेस को गलत कैलकुलेट किए हैं क्या? क्या बताया मेरे को? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? 140 and 84। मेरा तो सही है। तुम एक बार रेशियो चेक करो, 5:9 आया था। बोलो भाई, 5:9 आया था? क्या आया था? 1:5 आया था। तो मेरे को लगता है ना 0.6 को इधर ले गया। तो क्या किया? टाइप बी के लिए एक्स ले लिए, ठीक है, फिर एक्स बाय फाइव, 3x/5। मतलब तुम यहां पे लिया x, यहां पे लिया 3x/5, सेम आंसर आएगा। रुको, मैं काम करता हूं, एक लाइन लिख के तुम्हारे पास आता है, मैं आऊंगा। नहीं नहीं हम आ रहे हैं, मैं आता हूं। एक मिनट आता है, बस ये वाला एक बार लाइन तुम लोगों को आगे काम में लगाए, फिर मुझसे मिलकर आता है। सुनो ना मेरे को एक बार, तुम लोग 96,000 को 1:3 में बांट के बताओ ना कितना आएगा। ये आएगा 24,000, ये कितना आने वाला है? 72। बोलो आया यहां तक? यानी कभी भी एक रेशियो दिया रहे, एक यूनिट का लिखना, यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद माइनस करते हैं सेल और स्क्रैप, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है। ऐड करना है ओपनिंग WIP, लेस करना है क्लोजिंग WIP, WIP शब्द ही नहीं है। अगला मेरे को चाहिए प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, पूरे क्वेश्चन में प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ही नहीं है। यानी जितना सारा आइटम है वो कुछ दिया हुआ नहीं, तो क्या लिखकर जीरो लिखे? अंश को चीप लगता है। यानी शॉर्ट ये मिलाकर क्या बन जाएगा? फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। ये शायद आने वाला है 264, और ये शायद आने वाला है 456, ये शायद आने वाला है 720। बोलो आया नहीं? तुम बोले वाह, आपके कैलकुलेटर टच ही नहीं किए। मेटल मैथ्स। मेरा फैक्ट्री का सारा खर्चा हो गया। मेरा फैक्ट्री का सारा खर्चा हो गया। अगला मेरे को खर्चा कहां का चाहिए? हेड ऑफिस का, जिसका नाम क्या होता था? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब देखो तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में ये टेबल तो खत्म हो गया। अब पॉइंट नंबर डी, क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर डी में? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है दोनों पेन के लिए? 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कोई मेरे को देगा 200% माने क्या? कोई भी वैल्यू का 200% करना है माने क्या करना है? डबल करना है। तो क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दोनों पेन में क्या आने वाला है? जितना वेजेस आया था उसका 200%। देखो मेरा दोनों के अंदर में वेजेस का वैल्यू आया हुआ है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या आएगा? इसका 200%। 200% मतलब क्या? ठीक, डबल। तो कर देते हैं, यहां लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इधर में रेशियो नहीं है, यहां पे कैलकुलेट करने का तरीका दिया है, जितना वेजेस आया उसका 200%। मेरा जितना वेजेस आया हुआ है इसका 200%, एक बार कैलकुलेट करें ठीक डबल करके क्या आने वाला है? 1,62,88। क्या बात है, क्या बात है, फिर से बोलो। 1,62,88,4,40,00। क्या बात है। जैसे ये वैल्यू आया मेरे को ऐड करते क्या मिलने वाला है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए काम करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले कितना आएगा? 4,24,000। इस क्लास में कितने लोग लेफ्टी है? कि मेरे को आगे आगे लेफ्टी दिखे, दो तीन लोग। अच्छा उतने ही थे वो, तुम लोग भी लेफ्टी है? एक वापस उठाओ, लेफ्टी कितने लोग हैं? ये हम देखा है जनरली ना,
लेफ्टी अगर कोई होता है तो गर्ल्स में होता है, बॉयज में लेफ्टी कम होते हैं। भाई लेफ्ट से आदमी लिखता कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। ये बोल रहे हैं मेरा ओरिजिनल हैंडराइटिंग से बेटर है। तो ये किस स्टेज ऑफ लाइफ में डिसाइड होता है हमको लेफ्टी बनना है? कि एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है ना, जो मेरी डॉटर है वो भी लेफ्टी है और उसको कैसे हम पढ़ाए हमको समझ नहीं आता है, तो उसका हैंडराइटिंग भी और बिगाड़ दे रहा है, तो उनको थोड़ा टेंशन हो गया है। चलो ये है 424, ये आने वाला है 744, ये आने वाला है 1168000। बोलो आया आया, अब आएगा मजा। बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को क्या करना है? सीधा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, ओपनिंग एफजी लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। भाई ओपनिंग एफजी तो हमको नजर में नहीं आता है, क्लोजिंग एफजी नजर में आता है या नहीं आता है वो तुम लोग क्वेश्चन को देखकर बताओ। क्या क्लोजिंग एफजी कहीं क्वेश्चन में नजर में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? हम बोले थे दो जगह मिस्टेक होगा, जरा देखते हैं पहला जगह मिस्टेक हो रहा है या नहीं। क्लोजिंग एफजी नजर में आया या नहीं आया? आया है, आया है। सोच के बोलो, समझ के बोलो, देख के बोलो, होश में बोलो, कहां नजर आया? अच्छा एक सेकंड, पहले बताओ कितने लोगों को नजर में आया है? भाई सही में आ गया, नहीं एक एक पे 2000, दोनों राइट आंसर है, 2000 है। एक बार वापस, कितने लोगों को नजर में आया? एक्चुअली पता है मेरे को लगता क्या है, तुम लोग का बीकॉम में किया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, कहां पर नजर में आई ये बताओ। पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर एफ में देखो, ए का बनाया गया है 40,000, जिसमें बेचे हैं 36,000, तो भाई 40 में 36 बेचे तो बाकी 4,000 जो बना नहीं बिका कहां रह गया? क्लोजिंग स्टॉक में, यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4,000 यूनिट। और जरा देखो बी में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,20,000 में से 1,00,000 बेचे, यानी क्लोजिंग स्टॉक में कितना रह गया? 20,000। यानी मेरा ओपनिंग एफजी नहीं है पर भाई क्लोजिंग एफजी तो है। चलो ठीक है, तुम लोग एक राइट आंसर दिया, दूसरा पक्का गलत करेगा। चलो सम हो गया पूरा तो गलत होगा, देखते हैं। चलो एक काम करें, लेस करते हैं क्लोजिंग एफजी। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, क्लोजिंग एफजी का वैल्यू दिया नहीं है, वो तो मेरे को निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए चार मेथड था, पर घबराओ मत यहां पे कोई मेथड नहीं लगेगा। पता है पिछले दिन दो मेथड, वो चार मेथड क्यों लगा? क्योंकि दो तरह का स्टॉक था, एक ओपनिंग स्टॉक था, एक करंट ईयर का प्रोडक्शन था। और जरा देखो ये वाले क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, यानी जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो कहां से बचा है? इस साल के प्रोडक्शन से बचा है। यानी इसका वैल्यू निकालना तो बड़ा आसान है, कैसे मिलेगा? हम ए का निकालते हैं। देखो प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट लगा है 4,24,000। मेरा ए में प्रोडक्शन करने का कॉस्ट लगा है 424, इससे कितना यूनिट बनाए थे? 40,000। यानी मेरा इतना खर्चा लगा है 40,000 पेन को बनाने का, और मेरा इतना खर्चा लगा है 40,000 पेन को बनाने का, तो एक पेन का मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4,000, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? तुम लोग समझा मैं क्या किया? लास्ट डे लीफो फीफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज सब था, क्योंकि दो तरह का स्टॉक था, कुछ था ओपनिंग में कुछ था करंट ईयर में, तो जानना था पहले क्या बेचे बाद में क्या बेचे, एवरेज निकालना। यहां तो एक ही स्टॉक है जो इस साल बनाए हैं, जब मेरा ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फीफो लीफो का सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पे सीधा सीधा निकाले, ये खर्चा लगा है 40,000 के लिए, क्लोजिंग स्टॉक रह गया 4,000, उसका वैल्यू क्या? सुनो ना एक बार, कोई कैलकुलेटर जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। मैं खुद कर लूंगा भाई। ये शायद आने वाला है 42,400। तुम लोग एक बार एग्जैक्ट ऐसे कैलकुलेशन करना, बी में क्लोजिंग एफजी कितना आएगा? 1,00,000।
1,24,000। ये इंग्लिश क्यों बोल रहा है? 1,24,000। पता नहीं कितना अजीब बात है, लोग को हिंदी से ज्यादा हिंदी आता ही नहीं लोग को। इस क्लास में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो लगातार दो मिनट हिंदी में पूरा का पूरा वार्तालाप कर सके। कोई ना कोई बीच में एक शब्द जरूर प्रयोग हो जाएगा। लगातार एक मिनट हिंदी बोलना अभी हम बोलने से इम्पॉसिबल। ये एक टेंडेंसी है कि समाओ इंग्लिश बन जाता है। ए टू जेड क्लास में बैठे हर एक जन को आता है, आता है। क से गया अगर किसी को आता है, हम अभी उसको देगा 5,000। क से गया एक लाइन आता है सर, एक लाइन नहीं पूरा। एक लाइन में 200। क से गया आता है, आना ही चाहिए, मातृभाषा आना चाहिए, उसमें क्या बात है, आना ही चाहिए। सही में आता है तुम लोग को? नहीं, वो मेरे को भी आता है, ऐसा कोई बात नहीं। क ख ग घ ढ छ छ झ झ ण ट ट ढ ढ ण। ठीक है, वो एक दो ऐसे होता है। आ एक काम करो, बी का कैलकुलेट करना। मेरा लगा है 7,44,000। क्वेश्चन उठता है कितने यूनिट को बनाने के लिए लगा है? 1,20,000। क्लोजिंग स्टॉक रह गया था 20,000, उसका वैल्यू क्या? इसको डिवाइड करेंगे 1,20,000 से। मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 20,000। इसका वैल्यू मेरे को मिल जाएगा, एक बार कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आएगा। जाएगा 1,24,166,400। चलो डन। ये मेरे को मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? एक बार माइनस करके बताओ ना कितना कितना आएगा। 381,600, 6,20,000 और 10,00,000। सही लिखे हम? यहां तक सही है? COGS के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा आखिरी ओवरहेड, जिसका नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हमारे क्वेश्चन में वर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं, सेलिंग कॉस्ट बोला है। बात एक ही है, ओवरहेड भी खर्चा है, सेलिंग कॉस्ट भी खर्चा है। क्या चीज के लिए? सेल करने के लिए। जरा देखो सेलिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है। अब एक मिनट चुप, एकदम चुप। सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ है 50 पैसा पर पेन। मेरा सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है 50 पैसा पर पेन। हर पेन में मेरा लगने वाला है 50 पैसा, तो भाई जितना जितना पेन बनाए इनटू 50 पैसा। एक मिनट, लड़ाई नहीं करना है। जितना जितना पेन बनाए इनटू 50 पैसा, तो 40,000 से मल्टीप्लाई होगा या 36,000 से होगा? ऑप्शन वन या टू? वन या टू? कितने लोगों को मेरे बोलने के पहले पता था? सुनो, हम 100% श्योर तुम लोगों का बीकॉम में किया हुआ है। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, तुम लोग के हिसाब से मेरे लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल? हम हर एक जन को 2,000 रुपया दे, या हम एक काम करते हैं, हम 2,000 देते, तुम लोग बांट लेना। अराउंड 300-350 लोग है, तो 300-400 रुपये। चलो ठीक है, हम देखते हैं कहीं। तुम तो वही है ना जो कल इंसेंटिव लेकर गई थी, लालच का भी लिमिट होता है। कल 500 लेकर गई है। अमाउंट बढ़ा दीजिए सर। सर ऑनलाइन वालों का क्या? ऑनलाइन वाले आपको मैं पेटीएम करूंगा। चलो यहां लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये है 50 पैसा पर पेन, पर ये वर्ड छुपा हुआ है भाई। सेलिंग ओवरहेड किसमें लगेगा? जितना यूनिट्स बेचेंगे, यानी पर पेन सोल्ड। यहां वर्ड सोल्ड था नहीं, पर समझने का चीज है। यानी कितना आएगा? एक पेन का 50 पैसा, 36,000 का 18,000। 1,00,000 पेन बेचे इंटू 50 पैसा, 50,000। यह आएगा 68,000। मेरे को मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल। बोलो, हो रहा है ना? ये एग्जाम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बार पूछा हुआ है। ये एग्जाम में अगर आएगा तो ये आएगा 10 मार्क का। नंबर्स ऑब्वियसली बदलेगा, नंबर्स बदलेगा। तो जो तुम लोगों को प्रैक्टिस बुक दिया है ना, उसमें एक इस टाइप का ऐसा एक दो क्वेश्चन दिया है,
कि जब पता है एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है वो करता है। चलो यहां लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल सोल्ड मेंशन्ड है ना सर, कहां मेंशन है? ओ हाँ, ये तो ऑब्वियसली मेंशन है कितना बेचे। ये शायद आएगा 399,600, ये शायद आएगा 6,70,000, 1069,600। क्लियर है? एट प्रॉफिट क्या मिलने वाला है? सेल। हमारे क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट देगा तो सेल मिल जाएगा, ये अगर सेल वैल्यू दिया तो प्रॉफिट मिल जाएगा। यहां पे सेलिंग प्राइस दिया तो मेरे को मिलेगा सेल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। था ना अच्छा क्वेश्चन? इजी था? इजी तो नहीं था। अगर इजी था तुम लोग को इजी लगा तो इंसेंटिव किस बात का? मैंने अगर हम 2000 दिए तुम लोग बोले हार्ड क्वेश्चन है, यानी पैसे में तुम लोग का ईमान दिखता है। चलो सेल वैल्यू, देखो मेरे क्वेश्चन के लास्ट लाइन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ए का 14 रुपीज है, बी का 10 है, तो भाई सेल वैल्यू कितना मिलेगा? ए का 36,000 बेचे एट द रेट 14, बी का 1,00,000 बेचे एट द रेट 10। चलो भैया लिखे कितना आने वाला है? 36,000 इंटू 14, 1,00,000 इंटू 10, ये शायद आएगा 5,02,000, ये शायद आएगा 10,00,000 और ये आएगा 15,04,000। बोला आए ना यहां तक? और मेरा प्रॉफिट बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर, फटाफट कैलकुलेट करके मेरे को बताओ। 1,04,400, 3,30,434,400। जो लोग भी मेरे से पहले खत्म कर लेते वो लोग का ये आया था क्या प्रॉफिट? मतलब तुम लोग बढ़िया लोग आए। चलो डन। हाँ बोलो, तुम्हारे सबसे पहले हुआ, प्रूफ करो। जस्ट पूछो, बोला जस्ट अभी किया है। चलो ठीक है, घबराओ मत, इंसेंटिव तो देखो हम देता ही है, तुम लोगों को पता है। कल दिया, आज नहीं देंगे, आज नहीं, आज शनिवार को हम नहीं देते हैं, फिर नेक्स्ट डे दे देंगे, तो हर ऑल्टरनेट डेज में तुम लोगों को देगा। चलो अभी काम करें, अब अगला हम लोग क्या जानेंगे? अब देखो कॉस्टशीट का फॉर्मेट जान लिए, पर कॉस्टशीट का हर एक लाइन आइटम जो है ना उसको थोड़ा थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। एग्जाम में बहुत बार एक ही लाइन आइटम पे क्वेश्चन आ जाता है। अब हम लोग आज जानेंगे पहला 3 लाइन आइटम, फिर करेंगे क्वेश्चन। पहला 3 लाइन आइटम क्या है ये बताने वाली है आप, नहीं आप, आपका नाम क्या है? स्नेहा। बताइए स्नेहा जी पहला लाइन, बस बैठ जाइए। सेकेंड लाइन बताने वाली है आप, आपका नाम क्या है? श्रुति जी बताइए क्या है, बैठ जाइए। तीसरा बताने वाले हैं आप, आपका नाम क्या है? हाँ सौरभ, सौरभ हाँ बैठ जाइए। तो एक काम करें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। एग्जाम में कभी कभी खाली डायरेक्ट मटेरियल पे 4-5 मार्क का क्वेश्चन आता है, खाली डायरेक्ट एक्सपेंस पे 4-5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो अब हर एक लाइन आइटम को थोड़ा थोड़ा और विस्तार में जानेंगे। पहला हेडिंग लिखता है डायरेक्ट मटेरियल। आज हम बहुत खुश है कि तुम लोग के क्लास के बाद मेरा कोई क्लास नहीं है, आज हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए। कॉस्ट ऑफ सेल सर बी का गलत है। भाई हर बार अभी गलत करते हैं क्या? वहां बोलता है वो गलत है, आप गलत। 620 प्लस 50 मिला कि 670 आ रहा है, एकदम क्लियर कट नजर में आ रहा है, बिल्कुल गलत नहीं है। तुम एक चेक करो अपना कैलकुलेशन। अच्छा ये 1 लग रहा है, 6,70,000। आई एम रियली सॉरी अगर तुमको ये लगा तो। चलो एक काम करें, पहला लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। पहला लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब देखो नाम है डायरेक्ट मटेरियल, जो हम आई थिंक इसके बारे में शायद थोड़ा बहुत बताया था लास्ट डे या लास्ट टू लास्ट डे, कि मेरा डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो मेरे को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं फिनिश गुड को बनाने में क्या लगा।
जैसे जैसे सिगरेट को देखते नजर में आता है, इसको बनाने में तीन मटेरियल लगा, टोबैको फिल्टर और सिगरेट पेपर, दिखते ही नजर आया ना वो डायरेक्ट मटेरियल है। जैसे ये कैलकुलेटर को देखेंगे, देखते ही नजर में आया ये क्या चीज से बना है, बोलो क्या चीज से बना है, क्या प्लास्टिक और ग्लास, मतलब इतना गंदा गंदा है भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, प्लास्टिक ग्लास और बैटरी बटन, वाह वाह वाह, अंदर में है, तुम लोगों को दिखाया क्या है, खुल नहीं रहा है, बाद में दिखाएंगे। अंदर में कुछ होता है, क्या रहता है चिप, जिसके द्वारा सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, यानी जैसे इसको देखे मुझे देख के तुरंत नजर में आया है ये क्या चीज से बना है, ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। अगला एक बार जरा इसको देखो, ये क्या है, मतलब पूछे क्या है, एक्चुअली ये सैनिटाइजर है, वो हाथ वाला नहीं, ये मोबाइल का है, तो अगर बाई चांस किसी का मोबाइल मोबाइल थोड़ा खराब हो गया हो वो आराम से इसको यूज कर सकता है, ठीक है, नहीं यूज कर लो इसमें क्या है, ऐसा क्या, ठीक। ये जो है ये दिखते ही समझ में आया ये क्या चीज से बना है, देखो ये प्लास्टिक है, यहां पे पता नहीं क्या फालतू सा पेपर सा है, और इफेक्टिवली प्लास्टिक ही है। जैसे ये माइक को देखते हैं, ये माइक को देखकर क्या नजर में आया, सब प्लास्टिक है हमारे यहां, प्लास्टिक अंदर में क्या है, अच्छा हाँ एलईडी लाइट है, ठीक। और क्या नजर में आया, इसमें अंदर में बैटरी है और अंदर में बहुत सारा वायर्स है, यानी जिस चीज से ये बना है वो मेरा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। जैसे ये कैमरा को देखते हो, जैसे ये कैमरा को देखते हो, देखकर क्या नजर आता है, तो जिस चीज से बना है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। तुम लोग ध्यान दिया पूरे क्लास में सीसीटीवी है, और एक बड़ा वियर्ड जगह सीसीटीवी है यहां पे, और पता है ये इसका कनेक्शन किसके पास है, मेरे पास नहीं, मेरी वाइफ के पास, उसको जब मेरा याद आता है वो सीसीटीवी ऑन करके मेरे को देखती है। ये मजाक नहीं कर रहे, सही में, सही में वो जब मिस करती है हमको देख लेती है, इसीलिए हमको बार बार ऊपर देखना पड़ता है। डायरेक्ट मटेरियल यानी इन शॉर्ट डायरेक्ट मटेरियल क्या है, वो सारा मटेरियल जो हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई या रिलेट कर पाते हैं फिनिश गुड्स को देखते हैं कि यार ये तो पक्का इससे बना है, वो मेरा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। चलिए काम करें, फटाफट लिखते हैं, निगरानी जरूरी है, हम कोई चीज है जो मेरा निगरानी रखा जाएगा। इट डिनोट द मटेरियल, आई डिनोट द मटेरियल विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विच कैन बी डायरेक्टली, डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, भाई ये तो इसी चीज से बना है, वो मेरा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्टली आइडेंटिफाइड और रिलेटेड टू फिनिश गुड्स, एग्जाम में इस लाइन पे कुछ नंबर नहीं आता, अगला लाइन जो बोलने वाला है उस पे 5 नंबर आता है। इट इंक्लूड्स, और ये तुम लोग का फाउंडेशन में पड़ा हुआ है जो हम वापस से रिपीट करेंगे। अब देखो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता क्या तुम लोग सबको, अरे भाई क्या कर रहे हैं, हाँ तो मेरा लाइट थोड़ी बंद कर देगा, एक मिनट, देखो जिस स्विच के ऊपर में 1 लिखा हुआ है वो बंद कर दो, वेरी गुड। इट इंक्लूड्स, अब देखो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है ओपनिंग रॉ मटेरियल, एड करते हैं परचेज, माइनस करते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल, और मेरा क्वेश्चन उठता है परचेज के वैल्यू में क्या क्या आता है। मान लो मेरे को टोबैको परचेज करना है, तो जो टोबैको का परचेज वैल्यू है वो तो आएगा, वो तो आएगा, और उसको सप्लायर के गेट से मेरे गेट तक पहुंचाने तक का जितना खर्चा है वो भी आएगा। तुम लोग का ऐसा कुछ सुना हुआ है, हम बताए कहां सुना हुआ है, कंसाइनमेंट में, या शायद ज्वाइंट वेंचर में भी ये सब होता था ही नहीं, हाँ ये मेरा कंसाइनमेंट में सुना हुआ होगा, जब भी कोई परचेज का वैल्यू लिखेंगे उसमें क्या आएगा, जो खरीदने का कॉस्ट है वो तो आएगा, अगला सप्लायर के गेट से मेरे गेट तक पहुंचाने में जितना भी खर्चा लगा है वो सब भी आएगा। क्वेश्चन उठता है सप्लायर के गेट से मेरे गेट तक पहुंचाने में खर्चा क्या लगेगा, एग्जाम में ये आता है 5 मार्क का, हम बताते हैं क्या, सुनो एक सेकंड, मेरा ब्यूटीफुल फैक्ट्री का है,
हाँ हाँ दिख गया दिख गया दिख गया क्यों फूलों ने बने देखो हो गया ना साफ चलो सुनो अब देखो कितना सुंदर हो गया ठीक है ना अब सुनो रंजन स्टोर्स डिपार्टमेंट का हेड याद करना जरूरी था रंजन गांव वाला आज जो हमारा टोबैको का सप्लायर है वो कौन है आप बने थे आपका नाम था अमन ओ सॉरी रोनित 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 हाँ ये हमारा रोनित ये पता है रोनित का क्या है घर नहीं वेयरहाउस रोनित किसी का नजर है तुम्हारे घर पर ये मान लो रोनित का वेयरहाउस है मेरे को अब मेरे यहां पे क्या हो रहा है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला है फटाफट प्रोडक्शन कर रहा है टोबैको कम हो रहा है पर भाई जैसे जैसे टोबैको कम होता रहेगा मेरे को चाप हो जाएगा जैसे मेरे को चाप होगा हम तुरंत क्या करेगा रोनित को कॉल करेगा रोनित रंजन फ्रॉम ITC स्टोर डिपार्टमेंट बोला बोलिए रंजन जी हम बोला भाई 5000 केजी टोबैको चाहिए तुरंत बोला कल तक मिल जाएगा हम बोला जल्दी से भेज अब इमेजिन करो जब 5000 केजी टोबैको रोनित को लेके आना है क्या वो सर पर लेकर आएगा ये क्या करेगा ये क्या करेगा ये क्या करेगा एक लॉरी वाले को बुलाएगा समझ में आ रहा है क्या ये क्या करेगा लॉरी वाले को बुलाएगा और मान लो लॉरी वाला कौन है आप आपका नाम है अंश अंश है लॉरी वाला ठीक अंश है लॉरी वाला अब भैया अंश अपना लॉरी लेकर यहां पे पहुंचा अब सबसे पहले देखो हम कुछ कुछ वर्ड यूज करेगा पता है सबसे पहले टोबैको यहां पे जो पड़ा हुआ था जो टोबैको पड़ा हुआ था ये क्या करेगा यहां से निकाल के इस पर लोड करेगा तुम लोग देख रहे हैं कितना सुंदर कर रहा है ये क्या करेगा लोड पर प्रेशर उठता है लोड क्या लोड कौन करेगा कुछ मजदूर लोग करेंगे मान लो मजदूर है तुम लोग ठीक ये लोग मजदूर है अब भैया जब ये लोग लोड करेगा उसके लिए पैसा चार्ज करेगा पता है जो लोड कर रहा है उसके लिए जो पैसा चार्ज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोडिंग चार्जेस तो मेरा पहला खर्चा क्या आया लोडिंग चार्जेस बोलो क्लियर है यहां तक अब जैसी लॉरी के अंदर में आया अंश दौड़े दौड़े यहां पर आया है आया यहां पे अब तुम लोग मेरे को बताओ लॉरी यहां पे पहुंच गया अब जैसी लॉरी यहां पे पहुंचा जितना भी टोबैको था इसको अनलोड करना पड़ेगा अब जो अनलोड करेगा कौन करेगा ये लोग मजदूर लोग तो ये लोग क्या लेने वाले हैं अनलोडिंग चार्जेस तो मेरा अगला खर्चा क्या लगने वाला है अनलोडिंग चार्जेस यानी सीधा सीधा बात है स्टोर्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाने तक का जितना भी खर्चा लगा है वो सब परचेज के अंदर में जुड़ेगा मेरा पहला खर्चा क्या लगा है लोडिंग अगला क्या लगा है अनलोडिंग ठीक अब अंश देख रहे हैं वाह जो लोड कर रहा है उसे पैसा मिल रहा है जो अनलोड कर रहा है उसे पैसा मिल रहा है ये तो बेचारा पूरा रास्ते लेकर आया है अब जो लॉरी वाला पूरा रास्ते लेकर आया है ये भी तो पैसा चार्ज करेगा तुम लोग बताओ ये जो पैसा चार्ज करेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन क्या ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे या फिर बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड या इनवर्ड इनवर्ड एक और नाम फ्रेट इनवर्ड तो देखो मेरा तीसरा खर्चा क्या आया ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड तुम लोग समझ रहे बोलो ना वाह मेरा अगला बात अब रास्ते में अगर एक लॉरी में पूरा का पूरा टोबैको आता है उसका वैल्यू होता है 50 लाख अब इमेजिन करो रास्ते में 50 लाख रुपए का चीज आ रहा है तो डर है कहीं आग ना लग जाए डर है कहीं रास्ते में कोई गुंडा या गुंडी ना आ जाए तो रास्ते में जो डर है ना कहीं आग ना लग जाए गुंडा गुंडी ना आ जाए ये डर को दूर करने के लिए पता है ये कुछ लेने वाला है बोलो क्या पता है रास्ते के इंश्योरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस ट्रांजिट माने क्या रास्ता बोलते हैं ना लॉस इन ट्रांजिट रास्ते में खो गया या क्या बोलते हैं ना वो एक ही बात है तो ये मेरा फोर्थ वाला खर्चा का नाम क्या आया ट्रांजिट इंश्योरेंस तुम लोग समझ रहे हैं एक से हम चार खर्चा बोला पहला गुंडा गुंडी ट्रांजिट इंश्योरेंस अब एक और खर्चा मेरा अगला खर्चा क्या आता है कभी जीवन पे लॉन्ग ड्राइव पे गए नहीं गए जाना आप ले जाइए सारा जिम्मेदारी मेरा है मूवी ले जाइए
अगर लॉन्ग ड्राइव पर जाओगे, अगर लॉन्ग ड्राइव पर जाओगे अकेले तो जाओगे नहीं, परिवार के साथ जा रहा है कब बड़ा होगा। जब लॉन्ग ड्राइव पर जाएगा, चलो मान लो दो लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, पर पता है जब लॉन्ग ड्राइव पर जाएगा नेशनल हाईवे पे निकलेगा, रास्ते में कुछ मिलेगा, रास्ते में क्या मिलेगा, टोल। अब मान लो अंश निकला लॉरी लेके, यहां से निकला लॉरी लेकर, मान लो इसका फैक्ट्री कहां पर है, महाराष्ट्र, और मेरा फैक्ट्री कहां पर है, कर्नाटका। महाराष्ट्र से कर्नाटका में आने के समय सोचो बीच में कितना सारा टोल मिलेगा। अब जैसे ही रास्ते में निकला, मान लो पहले टोल पे कौन बैठी हुई है, ये रोकी, पूछी कहां चले, बोले बस टोबैको लेकर जा रहे हैं आईटीसी फैक्ट्री। बोला ऐसे कैसे जाओगे, वेट पहले टोल टैक्स दो, अच्छा ठीक है भैया फास्ट, ठीक तो डिडक्ट होगा रवा से, ठीक, यानी टोल टैक्स दिया गया। और जैसे थोड़ा और आगे बढ़ा, अगले में ये मिली, बोले कहां चले, बोले कुछ ही बस टोबैको लेकर जा रहे हैं। देखो तुम लोग मेरा एक्सप्रेशन से बच जाओ, वो थोड़ा गलत पिक्चर प्रोवाइड कर सकता है। बोले बस कहीं नहीं, बस वहीं जा रहे हैं आईटीसी में टोबैको डिलीवर कर रहे हैं। बोले पहले टोल टैक्स दो। यानी इमेजिन करो, अगर बाईचांस ये रास्ते का टोल टैक्स नहीं देता तो क्या वो यहां पर पहुंच पाता, यानी यहां तक पहुंचाने के लिए ये खर्चा करना भी जरूरी हुआ, तो इसको भी हम लोग परचेज कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। तो देखो हम कुल मिला के ना पांच कॉस्ट बताया, अभी हम एक वर्ड भी बोलेगा नहीं, हम खाली इशारा करेगा, तुम लोगों को मेरा इशारा समझ के आंसर देना है, ठीक। पहला आने वाला है ट्रांसपोर्टेशन का एक और नाम, कैरेजिन वर्ड एक और नाम, रास्ते में गुंडा गुंडी, ये मिली ये मिली ये मिली, टोल टैक्स, डन। चलिए काम करते हैं, पहले लिखते हैं दो शब्द, बोलिए। अगर रस्ते में पुलिस पकड़ लिया, अगर बाई चांस वो लेता है फाइन, तो भैया एक और तो फाइन इसको देना पड़ेगा। पर क्वेश्चन उठता है, ये जो फाइन देना है ये क्या नॉर्मल फीचर है, नहीं ये अबनॉर्मल है, और अबनॉर्मल चीज कभी भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनता, तो उसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। ये चीज जो हम बताएगा तुम लोगों को ठीक नेक्स्ट क्लास में, कि क्या क्या आइटम को कॉस्ट शीट से एक्सक्लूड करते हैं। पहले बता रहे क्या इंक्लूड होता है, नेक्स्ट डे बताएंगे क्या एक्सक्लूड होता है। बोलिए, वेट वेट वेट, पांच चीज बताए, लिखवाने के टाइम छह चीज लिखवाएंगे, सिक्स वाला यही है। आपका नाम क्या है, हाँ शुभजीत, तो तुम तो बंगाली हुआ, मेरा नाम का प्रोनाउंसिएशन करो, पहला बंगाली जो मेरे को रंजन बुलाया, हम जीवन भर रंजन बन के रह गया था। मेरा बंगाली उतना ग्रेट नहीं है, पर अभी हम थोड़ा सीखने का ट्राई कर रहे हैं, बीच में तुमको आमी तुम्हारे बंगाली बोझाबो, तुम्ही आमार के बांग्ला खूब पोषण कर गए, आई एम थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा है। चलो वो तो अलग ही बात, वो तो अलग भाषा में बात करती है, क्या था वो वर्ड, चलो भाई तुम लोग ना मेरे को मरवाएगा, सारा यूट्यूब में जा रहा है, हम पता चला जेल में चला जाएगा। लिखते हैं इट इंक्लूड्स, परचेस कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे, सबसे पहले भाई जो टोबैको को परचेस करने का वैल्यू हो तो आ गई, उसके साथ और बहुत सारा खर्चा जुड़ेगा। तो पहला लिखते हैं कॉस्ट ऑफ परचेस, यानी जो टोबैको को परचेस करने का वैल्यू है वो तो आना ही है, इसके अलावा और बहुत सारा वैल्यू और आना है। पहला था लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, मेरा अगला है रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट इन वर्ड या कैरेज इन वर्ड, ये कैसे लेडीज टाइप फंसी आया आया था ना, ये टिपिकल हंसी पता है कहां सुनने को मिलता है, किटी पार्टी में। हम वहां पे नहीं जाते, आइडिया मेरे को, हम क्यों जाएगा किटी पार्टी में। मेरा अगला आने वाला है, ऊपर वाला सब देख रहा है, मेरा अगला क्या आने वाला था, ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते का इंश्योरेंस।
मेरा अगला, ये मिली ये मिली ये मिली, टोल टैक्स एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज, एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तुम लोग बोलने के टाइम पांच बोले, लिखवाने के टाइम छह लिखवा दिए। मेरा अगला क्वेश्चन होता है ये अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज क्या है? ये अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज है जीएसटी। जीएसटी के बारे में तुम लोग कितना जानता है? कभी भी जीवन में कोई भी बिल देखा है जिसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है? मेरा एक क्वेश्चन के अलावा देखे वहां पे जीएसटी जुड़ा हुआ रहता है? हम बताते हैं, मेरे पास अभी कोई है नहीं बिल, नहीं तो हम जरूर दिखाते। नहीं, मेरे वाले इनवॉइस में हम बाद में, हमको बड़ा दुख होता है, बोले इतना कम फीस में इतना कुछ कैसे कर दे रहा है, तो इसीलिए हम दिखता नहीं है। अब देखो, जैसे हम एग्जांपल दे रहा है, आज हमारा प्रिंटर का बिल आया, तो हम बताते हैं, एक बार गेस करो हमारे एक बुक को प्रिंट कराने का खर्चा क्या लगा होगा? एट्टी। ये तुमको 80 रुपीज का बुक दिख रहा है? 80। 500। ठीक, मान लो मेरे हर एक बुक को प्रिंट करने का लगता है 500 रुपया। अब इसने पता है ये ऐड किया जीएसटी एट द रेट 18%, सीजीएसटी एसजीएसटी सबको मिला जुला के हम बोल दिया। ठीक, ये आया है 90, जेनिकुल मिलाकर आया है 590। ठीक, अब देखो मेरे लिए ये बुक परचेज है, एक तरह का परचेज हुआ। क्वेश्चन उठता है, जब हम परचेज रिकॉर्ड करेगा तो 500 करेगा 590, वो डिपेंड करता है, ऐसा जो जीएसटी मैंने पे किया, गवर्नमेंट क्या इसका वापस से मेरे को रिफंड करेगा या फिर नहीं करेगा? रिफंड करेगा, इसको टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं आईटीसी, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, क्या ले, कुछ है ही नहीं, एक कागज का टुकड़ा नहीं है मेरे पास, एक तो कोई भी पेपर दे दो ना, कुछ भी, मेरा वाला इनवॉइस दे दो, कुछ भी दे दो मेरे को। हाँ, क्या है ये? चेक तो करना है भाई, आपके इनवॉइस। ठीक, ये मान लो आया इनवॉइस, मेरे प्रिंटर ने भेजा है मेरे को इनवॉइस, जिसमें लिखा हुआ है 590 रुपीज, जिसमें लिखा हुआ है 590 रुपीज। ठीक, जैसी आया इनवॉइस, मेरे को भैया प्रिंटर को देना पड़ेगा 590, तो देखो मेरे पॉकेट से निकल गया 590। ठीक, ये हुआ तुम्हारा 590। ठीक, ले क्या है, एग्जांपल चल रहा है। मैंने इसको दिया 590। क्वेश्चन उठता है, जब 590 हम इसको दिया है, तो क्या मेरा पूरा 590 रुपीज खर्चा होगा? बिल्कुल नहीं। पता है, बिल लेकर हम जाएगा दिल्ली, दिल्ली में जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेगा। एक सेकंड, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मैडम निर्मला सीतारमन, उनके मुंह पे मारेगा। अच्छा नहीं, मतलब सॉरी, उनको दिखाएगा कि देखिए मैंने कितना देश का भला कर रहा हूं, जीएसटी देखे। हम बोलेगा, मैडम देखिए, मैंने ना 590 रुपीज दिया है, जिसे 500 रुपया था प्रिंटिंग का, 90 रुपीज दिया हुआ है जीएसटी का। तो बोलेगा, तुम यहां पर क्यों आए हो, क्या चाहते हो? हम बोला, देखिए मैडम, जो 90 रुपीज का मैंने जीएसटी दिया है, उस वो जो बुक आया, वो बुक को मैं यूज करके आगे अपना सर्विस दे रहा हूं। तो बताए, काफी बार जो एक इंसान जीएसटी देता है और वो चीज को अगर आगे यूज करता है अपने बिजनेस में और नया गुड्स बनाने में या नया सर्विस देने में, तो जितना जीएसटी मेरा दिया हुआ है ना, गवर्नमेंट क्या करेगा, वापस से मेरे को एडजस्ट कर देगा। जैसे देखो, तुम लोग का जो बिल आया, उस पर हम जीएसटी तुम लोग से कलेक्ट किया है, गवर्नमेंट को मेरे को देना है, तो हम उसको पूरा नहीं देगा। हम बोलेगा, देखो ऑलरेडी मेरा 90 रुपीज देना हुआ हुआ है, तो आप मेरे से कम रुपया लो। आज जब तुम लोग जीएसटी पड़ेगा, उसको और डिटेल में जानेगा, हमारे कॉस्ट में सीधा बोल देगा क्या इसका रिफंड आया, गवर्नमेंट ने वापस रिफंड किया या फिर नहीं किया। जनरली जो बिजनेस वाले होते हैं ना, वो लोग को रिफंड मिल जाता है। मेरा जितना जीएसटी लगता है, पूरा का पूरा रिफंड ले लेता है। कारण क्या, हम जितना भी चीज परचेज किया है, अगला सर्विस देने के लिए किया है। तो अगर अगला सर्विस देने के लिए किया है, तो जितना मेरा पहले जीएसटी दिया हुआ है, मेरे को वापस रिफंड मिल जाएगा। जरे मैं एक बात बताऊं, मेरा अभी भले 590 लगा, पर गवर्नमेंट मेरे को वापस 90 दे देगा। भले मेरा अभी 590 लगा, पर गवर्नमेंट मेरे को वापस 90 दे देगा। तो तुम लोग के हिसाब से बताओ, मेरा खर्चा 590 है या 500 है?
590 है या 500 है? 500. यानी पता है ऐसा जीएसटी जो मेरे को वापस से मिलने वाला है, ये मेरा खर्चा नहीं है. आज ये लगा वापस मिल जाएगा तो खर्चा थोड़ी ना है. पता ये खर्चा कब होता? और गवर्नमेंट बोले इसका रिफंड नहीं देंगे, और बैचेस गवर्नमेंट बोले इसका रिफंड नहीं देंगे, तो 590 गया, बस वो गया. यानी जब परचेज निकालेंगे उसमें अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज को तभी लेंगे जब इसका रिफंड आएगा या नहीं आएगा. आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा तो ब्रैकेट में लिखता नॉन रिकवरेबल. और वैसे ठीक इसका जो अगला चैप्टर आएगा वो आएगा मटेरियल, उस पर ये वाला जो टॉपिक है पूरा एक क्लास चलेगा. ठीक है यहां तक? ये था मेरा डायरेक्ट मटेरियल. अब तुम लोग मेरे को ना जल्दी से वो करो, जल्दी से मेरे को वो करो, आंसर दो. ठीक, जल्दी से मेरे को आंसर दो. मेरा पहला बात, हम अचानक से कुछ भी पूछ सकता है. ठीक, डायरेक्ट एक्सपेंस का दो नाम, ट्रेसेबल और चार्जेबल. अगला बताना, अगला बताना, अगला बताना, अगला बताना, अगला बताना, अगला बताना, अगला वो वाला. फैक्ट्री ओवरहेड का तीन नाम. डायरेक्ट मटेरियल के अंदर में छह चीज जुड़ने वाला है. पहला, अगला, अगला, और रास्ते में गुंडा गुंडी, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये मिली, ये मिली, ये मिली, एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज वही लेंगे जिसका रिफंड आएगा या नहीं आएगा. जिसका रिफंड आ गया खर्चा थोड़ी ना. आज लगा वापस मिल गया, नॉट माई खर्चा. आज गया वापस कुछ नहीं मिला, यस माई खर्चा. डन. चलो काम करते हैं, अगला लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस. जो भी हम लोग जस्ट ये लाइन लिखे ना, इससे चार पांच नंबर का क्वेश्चन आता है. तुमको सात आठ लाइन दे देगा, बोले बताओ कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा. इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, एक एक वर्ड बन रहे. हाँ, अगला लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस. ये लीजिए यशवर्धन, आपका नाम है यशवर्धन. अगला लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस. मेरा डायरेक्ट वेजेस क्या था ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है. डायरेक्ट वेजेस बताओ फैक्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट के. माइंड ब्लोइंग इज ओनली वर्ड फॉर यू, माइंड ब्लोइंग. एक काम करें, डायरेक्ट वेजेस क्या है फटाफट लिखते हैं. यू नो द वेजेस, क्या बढ़िया लाइफ है, आराम से आओ बैठ जाओ, दो घंटे बाद वापस चले जाओ. मेरे को देखो खून पसीना कौन बहा रहा है. सैटरडे नाइट तो है, मतलब क्या सबके लिए सैटरडे नाइट. होमवर्क करना है, करना ही चाहिए, हम भी तो अपने समय में किए थे. आई डिनोट द वेजेस आर पेड टू वर्कर्स. Who are directly involved or engaged in production activity. यानी ये वैसे वर्कर का वेजेस है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन करता है. वैसे वर्कर के वेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेजेस. ठीक है ना, भरे के क्लाइंट को और डिटेल में जान रहे हैं. इट इंक्लूड्स अभी तुम लोग छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा, जब तुम लोग जॉब करने के लिए जाएगा, आपको मिलेगा पैकेज. ये वर्ड सुनोगा, पैकेज कितने का है. जब भी एक इंसान को सैलरी मिलता है उसमें बहुत सारा कंपोनेंट होता है. चार पांच जो मेन कंपोनेंट है जो हम लोग के एग्जाम में रिलेवेंट है, कॉस्ट के अंदर में बताते हैं. पहला उसको मिलता है बेसिक वेजेस. पहला उसको मिलता है बेसिक वेजेस. क्वेश्चन उठता है बेसिक वेजेस क्या होता है. भाई जब भी आईटीसी मेरे को हायर किया, जब आईटीसी मेरे को हायर किया कुछ तो अच्छा देखा ही होगा. जब आईटीसी मेरे को हायर किया कुछ तो अच्छा देखा ही होगा. शायद उसको मेरा क्वालिफिकेशन अच्छा लगा हो, या माइट भी उसको मेरा आर्टिकेशन पे एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, या माइट भी उसको मेरा रैंक पसंद आया हो, या माइट भी एचआर को हमी पसंद आया हो. कुछ तो एक कारण रहा होगा. तो जो भी कारण रहा होगा, उसके बाद बोला भाई देख तेरे को हायर कर रहे हैं, तेरे को हर महीना देने वाले हैं 1,00,000 रुपया. अब वो 1,00,000 रुपया क्यों दे रहा है? क्योंकि हम आगे सर्विसेज दे रहा है जिसके अगेंस्ट में मेरे को पैसा दे रहा है. तो हमने दिया सर्विसेज, उसके अगेंस्ट में उसने दिया पैसा. पता है ऐसे वेजेस को क्या बोलते हैं? बेसिक.
बेसिक माने क्या, काम करवाने के लिए तुमको कितना देंगे। तुमने बोलेगा सारा पैसा उसी के लिए तो होता है, नहीं बहुत पैसा बाकी चीज के लिए भी होता है। बता एक एक करके बताएंगे। तो मेरा पहला क्या है, बेसिक वेजेस, जो क्या चीज के लिए हो रहा है, मेरे सर्विसेज को देने के लिए, उसके अगेंस्ट में जो मेरे को पैसा देने वाला है वो मेरा क्या है, बेसिक, वेरी इजी। अगला कमा डियरनेस अलाउंस। अब देखो ये सब वर्ड तुम लोग का सुना हुआ है क्या, डियरनेस अलाउंस, किसी को पता है डियरनेस अलाउंस क्या चीज के लिए दिया जाता है? नहीं, ट्रैवलिंग के लिए, रहने के लिए भी नहीं। क्या क्या क्या, इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए दिया जाता है डियरनेस अलाउंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आगे महंगा भत्ता, महंगाई भत्ता कर। सही, आपका नाम क्या है? था संभव। अगला है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या चीज के लिए दिया जाता है? इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। आज जब आईटीसी मेरे को हायर किया, मेरे को दिया 1,00,000। अब अगले साल अगर हम ढंग का काम किया तो मेरा बेसिक बढ़ेगा, पर भाई अगले साल महंगाई तो पक्का ही बढ़ेगा। तो अगर महंगाई बढ़ रहा है और मेरा अगर बाईचांस सैलरी नहीं बढ़ रहा है तो भी हम कैसे, कब तक जिएंगे? यानी इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए मेरे को हर साल वो कुछ कुछ रुपया और इन एडिशन टू बेसिक देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, सीधा सीधा बात है, जब मेरा आईटीसी में हुआ था तो मेरा सैलरी था 1,00,000 पर मंथ स्टार्टिंग में बेसिक का। पहला साल 1,00,000 पर मंथ अच्छा लगा, सेकेंड ईयर में बोला 1,00,000 पर मंथ ही देंगे, हमको बुरा लगा, बोला ये क्या तरीका है। थर्ड ईयर बोला 1,00,000 पर मंथ ही देंगे, हमको एक गुस्सा बोला कि ये क्या बकवास चल रहा है। एक वर्ड बोलते बोलते जस्ट अंदर रह गया, बोला ये क्या बकवास चल रहा है। हम गए बॉस के पास, हम बोला सर बैठिए। बोले रंजन ये क्या बदतमीजी है। हम बोला सर बदतमीजी हम नहीं, आप कर रहे हैं। 1,00,000 रुपया पर मंथ पहला साल दिए, अच्छा लगा। सेकेंड ईयर भी 1,00,000 पर मंथ बुरा लगा, थर्ड ईयर भी 1,00,000 पर मंथ सर बहुत बुरा लगा। बोले इससे बुरा लगने का क्या बात है। हम बोला सर सुनिए, जब पहला साल 1,00,000 रुपया मिलता था उस समय चीजों का दाम सस्ता था, घर में कितना कुछ लेकर जाते थे, मेरा इज्जत था। अब जो 2 साल बाद महंगाई हर चीज बढ़े जा रहा है, पर भाई हम आप दे रहे हैं अभी भी 1,00,000, तो उतना चीज तो लेकर नहीं जा पा रहा है। सर घर में इज्जत चला गया सर। बोला अच्छा तेरे को इज्जत चाहिए। हम बोला ये तेरे को पैसा चाहिए। हम बोला हाँ सर हाँ पैसा चाहिए। हम बोला हाँ सर वो रिस्पेक्ट जो नहीं है ना वो रिस्पेक्ट सर खो गया। बोले घबराओ मत, जो हर साल महंगाई बढ़ा है इसके लिए तुम्हारा सैलरी बढ़ना चाहिए। हम बोला सर एकदम वही चाहिए। बोले पर उसका नाम बेसिक नहीं देंगे, डियरनेस अलाउंस देंगे। हम बोला सर जो नाम देना दीजिए, बस पैसा दीजिए। तो जो महंगाई के बढ़ने के अगेंस्ट में दिया जाता है उसका नाम क्या है, डियरनेस अलाउंस। तुम लोग समझ रहे हैं? बोलो ना। तीसरा मिलता है हाउस रेंट अलाउंस। तीसरा मिलता है हाउस रेंट अलाउंस। नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, हाउस को रेंट पे लेने के लिए जो खर्चा लग रहा है उतना पैसा किससे लेगा, हमारे कंपनी से। यानी एक जमाने में कंपनी इतना कुछ देता नहीं था, पर आजकल सोचो बेसिक भी दे रहा है, डीए भी दे रहा है, एचआरए भी दे रहा है। अब तुम बोलेगा जितना भी रेंट लगेगा पूरा कंपनी दे देगा? नहीं, एक लिमिट है। अगर एक लिमिट नहीं रहा तो पता चला हम गए आगरा में ताजमहल को रेंट पे लेके ले लिया, थोड़ी कंपनी देगा। या बेंगलोर में गए 5-star होटल बुक करके ले लिया, थोड़ी दे देगा। तो हर एक कंपनी का लिमिट है भाई, इतना खर्चा तक तुम किया, तेरे को जितना रेंट तेरा लगा हम तेरे को दे देंगे, नॉर्मल बात है। अब मेरे को ध्यान है, जब मेरा आईटीसी में पोस्टिंग हुआ था तो हम सर को बोला, बोला सर आप मेरे को बुला लिए, मेरा यहां पे घर नहीं है, जमीन में रस्ते में थोड़ी रहेंगे, मेरे को घर रेंट पे लेके रहना पड़ रहा है, जितना मेरा रेंट लग रहा आप दीजिए। बोला जरूर देंगे, पहले वो अग्रीमेंट दिखाओ। पता है जब भी कोई आदमी रेंट पे रहते अग्रीमेंट साइन होता है, तो बोला सर नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। नेक्स्ट डे लेकर गए और जाके उनके मुंह पे मारे, हमारा सर ये देखे अग्रीमेंट। तुम लोगों को शायद बैंगलोर के बारे में आइडिया है, नहीं पता नहीं, बैंगलोर में एक छोटा सा जगह, ये जो खोपचा है ना, इस साइड एक खोपचा है, बहुत छोटा सा जगह है, उतना सा जगह हम लोग का लिया हुआ था। और ये बात चल रहा है 2008 का, उस समय उसका रेंट हुआ करता था 40,000 पर मंथ, एकदम पॉश एरिया में था। इमेजिन करो इतना महंगा, इतना महंगा।
अब जब उस समय तो 40,000 भी बड़ा चीज होता था, हम गए, हम जाके सर को दिखाए, सर 40,000 दीजिए। हर महीना आया 40,000 40,000 40,000। वो किस नाम पे आया था? हाउस रेंट अलाउंस। वो अलग बात था, उसी जगह में चार लोग रहते थे और चारों अपने ऑफिस में दिखा दिखा के 40,000 40,000 40,000 लिए। वो अलग बात था, पर एचआरए लेना जरूर है। अब देखो, ये मेरा चीफ हरकत नहीं था, चीफ हरकत तो आगरा वाला था। मेरा बैंगलोर में पोस्टिंग हुआ था, ज्वाइन करने के 7 महीना बाद, पहला 7 महीना कोलकाता में था। और अगर कोलकाता में था तो कोलकाता में मेरा घर है, और अगर कोलकाता में मेरा घर है तो रेंट देना नहीं है, और रेंट देना नहीं है तो एचआरए मिलना नहीं है। पर प्रॉब्लम यह की है, हम लोग मारवाड़ी। ये क्लास में कितने लोग मारवाड़ी है, तुम लोग तुरंत समझेगा। पता है, अगर बायचांस कहीं पे पैसा मिलने का अधिकार और कोई कारणवश पैसा ना मिले, मारवाड़ी लोग का नींद उड़ जाता है। हम बोले, यार एचआरए नहीं मिल रहा है, घर है यहां पे, एचआरए नहीं मिल रहा है। हम डिसाइड किए, कुछ भी एचआरए तो लेना है। नेक्स्ट डे गए बॉस के पास, हम बोला, सर बैठिए, पहले बिठाते। हम बोला, सर मेरे को एचआरए चाहिएगा। बोले, क्यों, तेरा तो घर कोलकाता में। हम बोला, सर क्या बताएं, जब से आईटीसी में हुआ है सर, पापा से भयंकर झगड़ा चल रहा है। पापा एकदम क्लियर कट बोल दिए कि अगर रहना है तो रेंट देना पड़ेगा। मैं, तुम लोग बाद में रियलाइज करेंगे, हम काम अच्छा करता है। और जैसे ही एक दो आंसू टपका, बोले, अरे रंजन सवाल अपने आप को पानी दिए। हम बोला, सर ठीक है। बोले, रंजन तेरे को घर से निकाल दिया गया है। हम बोला, हाँ। बोले कि एक रूम दिया गया, बोला अगर रहना है रेंट दो। बोले, चलो ठीक है, अगर रेंट तुम्हारा लग रहा है तो जरूर देंगे, पर देख रंजन, कंपनी का फॉर्मेलिटी होता है ना, अग्रीमेंट चाहिए। हम बोला, हाँ सर है ना, कल दिखाएंगे। अब सीए फाइनल के अंदर में, लॉ के अंदर में अग्रीमेंट का फॉर्मेट होता था। जीवन में पहली और आखिरी बार मेरे को सीए फाइनल का लॉ उसी जगह काम आया। बुक निकाले, लैपटॉप निकाले, अग्रीमेंट का फॉर्मेट पूरा कॉपी पेस्ट किए, 50 रुपए के स्टैंप पेपर में प्रिंटआउट निकाले, खाली 50 रुपया लगा। जब प्रिंटआउट निकाले, लैंडलॉर्ड है मेरे पापा, टेनेंट है हम, अपना साइन कर दिए, पापा का साइन भी आता था, कर दिए, अग्रीमेंट तैयार है। अब नेक्स्ट डे गए जाके बॉस को दिखाए, सर अग्रीमेंट। अब वो पेज पलट पलट के देख रहे हैं। देखे, रेंट उसने हम लिखा था 50,000 पर मंथ। बोले, 50,000 पर मंथ तुम्हारा रेंट लगता है? हम बोला, हाँ सर। बोले, तुम रहता क्या है? हम बोला, सर बड़ा बाजार। बोले, इतना कितना बड़ा घर है बड़ा बाजार में? हम बोला, सर आकर देखिए, बहुत बड़ा घर है, 50,000 रुपया लग रहा है। बोले, ठीक है, मैं एक बार आते हैं। हम बोला, सर छोड़े ना, आप बताइए, फालतू में अगर पापा एक दो बात सुनाएंगे मेरे को बुरा लगेगा, आप रहने दीजिए। अब बेचारे पेज पलटते रहे, सब सही था। तो 7 महीना जो थे 50,000 पर मंथ करके, 7 महीना मिला। पर पता है, देखो इंसान हम अच्छा है, इंसान हम अब आ गया ना सीए का हरकत, देख रहे बात। इंसान देखो हम अच्छा है। बाद में हमको लगा, यार पापा का हम ऐसा बोल के पैसा ले रहे, अच्छा नहीं लगा, तो हम डिसाइड किया, बोले पापा को बताएंगे। एक दिन शाम के टाइम पापा को बोला, बोला पापा आपसे बात करना है, एक अब बैठिए। उनको बिठाया, हम बोला पापा एक्चुअली हम अपने क्लास बोले सॉरी अपने ऑफिस में बोला बड़े क्रूर टाइप के आदमी है, मेरे पे बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, एक दो और हाथ भी उठाए थे। बोले रहने तो रेंट लगेगा ये वो। बोले, तो मेरे बारे में ये सब बोल के आए? हम बोला हाँ पापा। पहले हम उनको पूरे एचआरए समझाए, ऐसा बोले तेरे को नहीं मिल रहा होगा। हम बोला पापा एक्चुअली मिल रहा है, हम आपके बारे में ये सब बोला है। अब 2 मिनट वो ऊपर देख रहे हैं, हम उनके हाथ को देख रहे हैं, कौन सा पहले हाथ उठने वाला है। बाद में पापा बोले कितना मिल रहा है? बोले पापा 50,000 पर मंथ। बोले चल ठीक है, झगड़ा तो घर का है, पैसा आना चाहिए ना। तो रिलायंस के भाई, अगर हम मारवाड़ी है, खून तो वहीं से आया है। तो आराम से 50,000 पर मंथ मिला, जीवन का पहला सी। कॉस्ट शीट पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा, ये सब जरूर करके बहुत कुछ मिलेगा। जीवन में अगर एचआरए नहीं मिले, घबराना मत, मेरे पास आना। आज जो भी करना है हम कर देंगे, थोड़ा खुश होके मेरे को भी देखकर जाना। तो मेरा पहला आया बेसिक, अगला आया डीए बख्शीश, इसको बख्शीश बोलते हैं। पहला आया बेसिक, अगला आया डीए, अगला आया एचआरए। नेक्स्ट हमारा है मेडिकल बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट, जनरली कंपनी खाली काम करने का पैसा देता है, पर आज के जमाने में कंपनी बड़ा अच्छा है। और बैचा से एक आदमी बीमार पड़ जाए, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़े, दवाई का खर्चा लगे, पूरा पैसा हमारा कंपनी देता है। ऑब्वियस सब आते हैं एक लिमिट तक, नॉर्मल बात। अब एक सिंपल सब आते हैं, मान लो आपका नाम सत्यम,
और सत्यम को एक दिन बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, बोले देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कटिंग मशीन में क्या होता है। कटिंग मशीन खोल के डाला, देखा अंदर में डाला मुंह, नाक कट के अलग हो गया। घबराना नहीं है, पूरा पैसा कंपनी देगा, नाक गया तो गया, पैसा मिलेगा तुमको, ठीक। यानी कोई भी खर्चा हो पूरा देता है कंपनी। अब भाई मेडिकल बेनिफिट तो तब मिले जब आदमी पहले बीमार हो, टचवुड हम जब जितना साल काम किए बीमारी नहीं पड़े, टचवुड। पर भाई लोचा यह है तो मारवाड़ी, तो पैसा तो लेना है, कुछ नहीं करता ना, साल में एक बार लीव ले लो, 5-6 दिन का लीव ले लो, और बाद में जाके बोलो हम बीमार पड़ गए, मेरे को चाहिए पैसा, बोलेगा बिल दिखाओ। उस समय ना केमिस्ट शॉप में जाओ तो लोग बड़ा मासूम होता था, उनको पता नहीं कि आदमी बिल बेचारा क्यों मांग रहा है। हम जाके बोलते था भैया एक बिल दीजिए ना, खाली बिल दीजिए ना, दे देता था। पर बाद में लोग समझने लगा खाली बिल लेता क्यों। मेरे को ध्यान है जब बैंगलोर में था, बोला भैया बिल, सीधा सीधा कौन सी कंपनी में हो। हम बोला सर ITC। बोले तब तो अच्छा मिलेगा। आम बोला आप बिल दीजिए आप। बोले बताओ कितने का बनाना है। बोला बनाइए 60,000 का बनाइए। अब वो लिखते गए। आज जब पूरा बिल बन गया, हम हाथ आगे बढ़ाया, वो बिल दिया वापस पीछे कर लिया। हम बोला मजाक क्यों कर रहे, दीजिए बिल। बोला आप जाएंगे 60,000 लेकर आएंगे, मेरे को कुछ नहीं देंगे। हम बोला बताइए कितना चाहिए। बोले 5%। हम बोला कोई दिक्कत नहीं, 60,000 का 5%, 3,000 पकड़ाए, 60,000 का बिल मिला, जाके क्लेम किए, पूरा 60,000 मिल गया। बिल देख के हम डर गया, लिखा था 100-150 डेटॉल का बॉटल। एक्सप्रेशन लग रहा है उसी से लड़ाई जा रहे बैठ बैठ के। पर कंपनी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको चाहिए बिल, सब मिल जाएगा। तो अगला जो पैसा एक कंपनी देने वाला है वो क्या है, मेडिकल। ए सुनो, तुम लोग ये सब सुन के मेरे बारे में इमेज खराब नहीं हो रहा है ना। हाँ वो करना। मेरा अगला है कंट्रीब्यूशन टू PF। क्या ट्यूशन में कंट्रीब्यूशन टू PF या फिर ग्रेच्युटी। किसी को आइडिया है PF? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट क्या है, एक जब तक एक इंसान एक कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी उसको पैसा देगा, और कुछ पैसा ना गवर्नमेंट को देगा उसके बिहाफ पे प्रोविडेंट फंड में। क्वेश्चन उठता है प्रोविडेंट फंड इसको कब मिलने वाला है, जिस दिन ये अपने जॉब से रिटायर हो या जीवन से रिटायर हो, विच एवर इज अर्लियर। आइदर ये जॉब से रिटायर हो जाए या अपने जीवन से रिटायर हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, ये पैसा मिल जाएगा। जॉब से रिटायर हुआ उसको मिलेगा, जीवन से रिटायर हुआ तो आदमी जो गया वो गया, उसकी वाइफ सेलिब्रेट करेगी, बहुत बड़ा पैसा आने वाला है PF से। मतलब ऐसे कुछ लोग होती है, मेरी वाली वैसी नहीं है, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन टू PF, यानी सोचो एक सिंपल सा बात है, 60 years तक जनरली एक आदमी काम करता है, उसको पैसा मिल रहा है, आराम से घर चल रहा है, पर जब 60 years के बाद ये रिटायर हो जाएगा तो भाई तब भी उसको जीने का तो अधिकार है। पर क्वेश्चन उठता है पैसा आएगा कहां से, इसीलिए हर साल कंपनी पैसा सेट असाइड करता है कि जिस दिन भाई रिटायर होगा ये पैसा उसको मिल जाएगा। तो एक बार कंपनी के पॉइंट से सोचो, बेसिक आज दिया, DA आज दिया, HRA आज दिया, मेडिकल बेनिफिट आज दिया, PF का पैसा वो तो आज ही दिया, तो कंपनी के पॉइंट से सोचा जाए कि आपका खर्चा क्या, जो मैंने इसको दिया वो भी खर्चा, जो गवर्नमेंट को दिया वो भी खर्चा, तो मेरे लिए कुल मिलाकर डायरेक्ट वेजेस का पार्ट बनेगा। तुम लोग संगम क्या बोला, कंपनी के पॉइंट से सोचो, कंपनी तो आज ही कंट्रीब्यूट कर दिया ना, तो ये कॉस्टशीट कौन बना रहे, कंपनी बना रहे, उससे पूछेगा तेरा खर्चा क्या। हम बोलेगा मैंने इसे हाथ में दिया 100, मैंने गवर्नमेंट को दिया 15, यानी मेरे लिए खर्चा क्या लगा 115। बस दो वर्ड और, सर आप इंस्पिरेशन है, समझ में आ रहा है क्यों है। अगला लिखना बोनस कॉमा लीव ट्रैवल कंसेशन। पेंशन भी इसी का पार्ट है, एक्चुअली PF होता है, ग्रेच्युटी होता है, सुपर एनुएशन होता है, पेंशन होता है, EPF होता है, बहुत कुछ होता है। लेबर चैप्टर आएगा ना, और लेबर चैप्टर का जरूरत ही नहीं है, तुम लोग उसके पहले टैक्स में पड़ेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में, इसको और ज्यादा डिटेल में। लीव ट्रैवल कंसेशन, बोनस क्या है, नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, अगर एक वर्कर एक इंसान एफिशियंटली काम करे तो उसको एफिशियंटली काम करने के लिए क्या मिलता है, बोनस। एक एफिशिएंट वर्कर बेसिक DA HRA के लिए काम नहीं करता, वो तो हर किसी को मिलेगा। अगर एक वर्कर एफिशिएंटली काम कर रहा है, उसका करने का उद्देश्य क्या है,
बोनस पाना। वर्कर्स का बोनस कम होता है वन मंथ सैलरी, पर अगर तुम लोग ऑब्वियस होता है तुम लोग वर्कर तो बनेगा नहीं, तुम लोग ऑफिसर्स बनेगा। तुम लोग का अगर बाय चांस ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में होता है वहां पे बोनस का कोई सीमा ही नहीं है। वहां पे बोनस ठीक ठाक काम किया तो 20% ऑफ सैलरी साल भर का, जितना साल भर का सैलरी उसका 20% बोनस। अगर थोड़ा ढंग का काम कर दिया 50%, अगर आप इंडिया के बेस्ट परफॉर्मर चल रहे हैं आपको मिलेगा 100% बोनस। जो मैं लास्ट में 3 साल था ईवाई में टचवुड, लास्ट का 3 साल में मेरा रेटिंग आया था 1, इंडिया का बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर बेस्ट, मेरे को मिला था 100%, 100%, 100%। सैलरी था 24 लाख, बोनस आया 24 लाख, मिला के 48। यानी कि इंसान जो सुबह से शाम खून पसीना बहाता है, जो सुबह से शाम खून पसीना बह रहा है, जो इतना मेहनत कर रहा है, हम बेसिक डीएचआर के लिए नहीं करते थे, वो तो ऐसे ही मिलेगा, हम किसके लिए करते थे? बोनस के लिए। तो आजकल के जमाने में बोनस फैंटास्टिक मिलता है, और अगर बाई चांस प्राइवेट इक्विटी में हो जाए 200% बोनस मिलता है। सैलरी है 28 लाख, बोनस मिल गया 56 लाख। मेरे एक फ्रेंड को जस्ट पिछले साल मिला है 300% बोनस। सैलरी है 1 करोड़, बोनस आया है 3 करोड़, कुल मिला के 4 करोड़। नहीं, कंपनी क्यों बंद हो जाएगा? वो कंपनी में ऐसा कुछ कमाल किया है कि उसको इतना बोनस मिल रहा है। पीएनजी प्रॉफिट एंड गैम्बल, दिवाली बोनस, वेरी चीप, 100 रुपया। मेरा अगला क्या है? लीव ट्रैवल कंसेशन। मेरा लीव ट्रैवल कंसेशन क्या है, तुम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स में, जिसमें है हर 2 साल के पीरियड में कोई एक एम्प्लॉई अगर एक बार बाहर घूमने के लिए जाए तो उसका आने जाने में जो खर्चा लगाना वो कंपनी दे देता है। हर 2 साल में बस एक बार का वो देगा, अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का, खाली आने जाने का, होटल वोटल का नहीं, खाली आने जाने का वो कंपनी दे देगा, वो पैसा दे देगा कंपनी। अब ये बोलेगा फॉरेन ट्रिप मारे तो नहीं, इंडिया का देगा। पता, फॉरेन ट्रिप के लिए आदमी दुनिया भर का पैसा देना शुरू कर देगा। इंडिया के अंदर में कहीं जाएगा उसका पैसा कौन देने वाला है? कंपनी। एक बात बोले क्या थोड़ा, मतलब फिर हमको वही डर है कि तुम लोगों की नजर में हम गिर गया तो इज्जत बढ़ रहा है, अभी तक नहीं गिरे, बढ़ रहा है। आज मेरा आखिरी साल था जॉब का, हम बोले अब इस साल थोड़ा बड़ा हाथ मारेंगे। मेरा हैबिट था उतना लीव पे जाता नहीं था, बस वो बीमारी का जो बहाना मारते थे मेडिकल बेनिफिट के लिए वो था, अदरवाइज लीव पर हम नहीं जाते थे। पर आखिरी साल में हम डिसाइड किया चलो एक काम करेंगे, लीव ट्रैवल कंसेशन लेना है। छुट्टी लिए, आराम से छुट्टी लिए 11-12 दिन का, घर में बैठकर रेस्ट किए। आज जैसे ही मेरा लीव हुआ खत्म, अब नेक्स्ट डे जाना है ऑफिस और जाके क्लेम करना है लीव ट्रैवल कंसेशन। अब मिलेगा पैसा खाली आने जाने का, खाली आने जाने का। तो मेरे माइंड में हम क्या क्या बुक कर सकता है, अगर ट्रेन का टिकट बुक करेगा क्या ही मिल जाएगा, ट्रेन का टिकट का फेयर ही कितना होता है। तो ट्रेन का टिकट बुक कर दिए, बाद में कैंसिल कर दिए, तो ठीक है ट्रेन का टिकट दिखा के पैसा ले सकते हैं, पर उससे क्या मिल जाएगा? अगला बारी क्या था? फ्लाइट का। पर इसके अंदर में कंपनी वाले होते हैं स्मार्ट, वो लोग फ्लाइट का टिकट के साथ में देखता है बोर्डिंग पास। अब बोर्डिंग पास तो तब मिलेगा जब बोर्ड करेंगे, हम तो घर में बैठ के सोए थे। अब हम आ गया चाप में, यार पूरा छुट्टी वेस्ट, अब क्या करें? अगला हम सोचे यार क्या करें क्या करें, फिर हम ऐसे ही थोड़ा गूगल किए, दिल्ली में पटपटगंज बोल के एक जगह है, वहां पे एक ट्रैवल एजेंसी है, उसका बिल का कॉपी मिला, उसका निकाले कलर प्रिंट आउट। हम जो बोलेगा ना तुम लोगों को लगेगा मजाक कर रहा है, सच्चे में एकदम सही बोल रहे हैं, प्रॉमिस। हम उसमें दिखाए, पोस्टिंग था मेरा दिल्ली में उस टाइम, हम दिल्ली से कन्याकुमारी गया, दिल्ली से कन्याकुमारी गया, कन्याकुमारी से दिल्ली आया, क्या बुक करके? फर्स्ट क्लास एसी बस बुक करके। किलोमीटर देख ले भैया कितना है, उस समय डीजल का रेट क्या था मल्टीप्लाई कर दिया, आज जो ड्राइवर का सैलरी था वो लिख दिए, उसको ओवरटाइम दिलवा दिए, उसका मील अलाउंस दिला दिए, उसका टोल टैक्स दिला दिए, सब कुछ ऐड किए, लास्ट में जो सर्विस टैक्स था, उस समय जीएसटी नहीं होता था, सर्विस टैक्स ऐड किए, सब कुछ ऐड कर कुरा के बिल बनाए 98,000। एक बार ये बिल बन गया, उसके बाद देखो जनरली बिल के अंदर में स्टैंप पड़ता है ना, पेमेंट रिसीट, बिल पास, ये सब कुछ, दो दो स्टैंप बनाए, 50-50 रुपया लगता है, फटाफट स्टैंप मारे, अलग अलग कुछ भी साइन करना है वो कर दिए,
पर अभी पहली बार लाइफ में डर लग रहा था, वो पेपर को लेके जमीन में थोड़ा घिसे था कि थोड़ा पुराना लगे, नेचुरल सा लगे, ये लगेगा आज ही होके आए सब कुछ। अब पहली बार गए बॉस के पास, हम बोला सर बैठे, हम उनको दिया, हाथ कांप रहा है। अब वो बिल देख रहे हैं, दिल्ली टू कन्याकुमारी ऊपर देखे, फर्स्ट क्लास एसी बस बुक ऊपर देखे, 98,000 ऊपर देखे, बिल रखे साइड, बोले तुम कन्याकुमारी गया? हम बोला हाँ सर कन्याकुमारी गए। सर वैसे सोचे थे कि अब थोड़ा एक बार इंडिया का भ्रमण करें, अलग अलग कल्चर्स का आइडिया लगेगा, तो इसलिए सब निकल गए। बोले कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं फोटो वोटो उससे मैं कैमरा टैमरा और मोबाइल नहीं होता था। बोले कोई दिक्कत नहीं है, तुम ट्रेन में नहीं गया, तुम फ्लाइट में नहीं गया, तुम बस में गया। हाँ बोला सर देखिए फ्लाइट में मेरे को जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरे को दिक्कत है, मेरी वाइफ को दिक्कत है, पर जो मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जैसे ही फ्लाइट में चढ़ते रोना शुरू कर देते, वाह हनुमान जी लेके जा रहे, तो हम लोग पॉसिबल नहीं। वो अलग बात था, उस समय दो छोटे बच्चे संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, नाम ले लिए। बोले चलो ठीक है फ्लाइट में गया ट्रेन। हम बोला सर इतने बड़े कंपनी का आदमी ट्रेन में जाएगा, सर आपका क्या इज्जत रह जाएगा? बोले अच्छा अच्छा हाँ हाँ बात सही है, तो तुम बस में गया, फर्स्ट क्लास एसी बस। हम बोला हाँ, कैलकुलेशन देखे सब कुछ किए, बेचारे जो पलटाए वलटाए सब कुछ किए, 98,000 मिल गया। अब जिस दिन मेरा कंपनी का आखिरी दिन था, उनका मेरे पास कॉल आया, लास्ट डे ऑफ फेयरवेल जब होता है, हम पढ़ाने के लिए आने वाला था, उनका कॉल आया, बोले रंजन कलकत्ता जा रहा है? हम बोला हाँ। बोला तेरे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा सर, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट, ये सब कुछ कर दिया। हम बोला ठीक है सर, अब वहां जाते हैं मिलेंगे। बोले रंजन बहुत दिन से मन में एक बात था। हम बोला हाँ सर बोलिए। बोले रंजन एक बात सच सच बताना, तुम सही में कन्याकुमारी गया था? हम बोला सर अब लास्ट डे है, क्या ही झूठ बोले सर, कन्याकुमारी नहीं गए थे। बोले पता था मेरे को तुम नहीं गया है। बोले पर रंजन वो बिल? हम बोला सर वो बिल का अरेंजमेंट हो जाता है सर, वो हो गया था। बोले चलो ठीक है, तुम्हें काम करो, ठीक है। हम बोला सर ठीक है, हम निकलते हैं सर, कलकत्ता जाके बात करते हैं। बोले रंजन एक बात था, और हमको समझ में आने लगा उनका क्या बात था। बोले रंजन ऐसे बिल अरेंज हो जाता है? हम बोला हाँ सर हो जाता है। बोले रंजन एक बात था? हम बोला सर खुल के बोलिए क्या बात है। बोले रंजन अगर एक दो बिल मेरे नाम पे अरेंज हो जाता? हम बोला सर घबराते क्यों है, जा रहे हैं कलकत्ता, जब जब बिल का जरूरत पड़ेगा बोलिएगा, ध्यान रखिएगा जितना आप क्लेम करें कुछ मेरे पास भी आना चाहिए। बोले घबरा मत रंजन, बस बिल तो भेज। एक बार हम भेजे, बाद में मेरे को जरूरत नहीं पड़ा, वो पूरा एक बिल बुक प्रिंट करा के खुद बैठ गए, खुद दे रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये था हमारा डायरेक्ट वेजेस। हम श्योर है तुम लोग डायरेक्ट वेजेस जीवन में कभी नहीं भूलेगा। बस एक आखिरी लाइन लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस जिसमें मैक्सिमम लगेगा 5-7 मिनट, दैट्स इट। तुम लोग ये सब सुन सुन के कुछ गलत मत, तो देखो पहला क्या पढ़े डायरेक्ट मटेरियल, अगला क्या पढ़े डायरेक्ट वेजेस, तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में एक शब्द नहीं बोला है, घबराओ मत, वो बोलने लायक ही नहीं था। ठीक, मेरा अगला है डायरेक्ट एक्सपेंस। मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इसका इतना वाहिया डेफिनेशन, इतना वाहिया कि सर फोड़ लेगा तुम लोग। डायरेक्ट एक्सपेंस का एक डेफिनेशन है कि सारा खर्चा जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाए फिनिश गुड्स में, अदर देन मटेरियल एंड वेजेस। यानी जो सारा का सारा खर्चा मेरे को डायरेक्टली पता है यार ये तो इसी के लिए लगा है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस को छोड़ के बाकी सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। तुम बोलेगा नहीं नहीं बहुत गंदा था ये, बहुत गंदा था, मेरे को ही पता बहुत गंदा था, इसलिए हम दो तीन एग्जांपल दे देगा, पर ये जो डेफिनेशन दिया है वो तो मेरे को एक बार लिखवाना पड़ेगा। चलिए काम करें, यहां लिखते हैं इट डिनोट द कॉस्ट, विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। टू फिनिश गुड्स, कौन है ये? मेरा वो सारा खर्चा जो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं फिनिश गुड्स में, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस।
यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस के अलावा बाकी जो भी खर्चा डायरेक्टली फिनिश गुड में आइडेंटिफाई होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। वह यार डेफिनेशन। अब हम जो एग्जांपल देंगे तुम लोगों को बस खाली एग्जांपल ध्यान रखना है, यहां नीचे लिखना एग्जांपल पॉइंट वन, पॉइंट नंबर वन। मेरा पहला एग्जांपल है, तुम लोगों को ये एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। पहला है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। मेरा पहला है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो हम तुम लोगों को दे रहा है। जैसे हम बताया था, याद है तुम लोगों का थर्ड तीन चैप्टर बाद टेस्ट होगा, ये सब याद नहीं है। और पहला टेस्ट में लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम एक इंसेंटिव देता है कि जो भी पहला टेस्ट में यहां पर आएगा उसको मेरी तरफ से मिलने वाला है डोमिनोज का पिज्जा। अभी बता रहे हैं, यह खाली पहला टेस्ट के लिए अप्लाई करता है ताकि पहला टेस्ट में लोग को मोटिवेशन मिले आकर टेस्ट दे। पिज्जा कैसे गाली ब्रेड बिची है। मिलने वाला है डोमिनोज का पिज्जा। हाँ, जो लोग एग्जाम देगा, हाँ जो लोग एग्जाम देगा, हाँ मतलब तुम्हारा जो लोग एग्जाम देने के लिए आएंगे। अच्छा ये बात सही बोली, एक मार्क्स का भी क्राइटेरिया रखना चाहिए। नहीं अच्छा आइडिया दिए, ये आइडिया दिए, ये हम नहीं बोला, ये बोली बाद में सेलेक्ट लेना। हम बताते हैं, किसी को भी आइडिया क्लास में जो डोमिनोज है ये कौन से कंपनी के अंदर में? जुबिलेंट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर में पिज्जा बनता है डोमिनोज। ठीक, इमेजिन करो अगर इस पिज्जा का नाम होता है जुबिलेंट पिज्जा, तुम लोग खाता? खाता? अरे मतलब मानो डोमिनोज कभी जीवन में वर्ड इसलिए एसोसिएट नहीं हुआ, नाम नहीं होता जुबिलेंट पिज्जा, खा लेता? मेरा एग्जांपल पलट जाएगा। अरे बोलो, खा लेता? मतलब कुछ भी तो खा लेगा। अब देखो ऑब्वियस आता है, डोमिनोज का नाम जुड़ा है तभी तो इसका सेल होता है। तो डोमिनोज इंडिया का नहीं, वो बाहर का है। वो जुबिलेंट ये फूड्स को बोला, भाई तुम मेरा ब्रांड नेम यूज करके खुद कमाएगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो जितना तुम कमाएगा तुम मेरा ब्रांड नेम को यूज करके कमा रहा है। पता है ब्रांड नेम को यूज करके कोई कमाता है उसको क्या देना पड़ता है? रॉयल्टी। अरे इमेजिन करो जैसे ही पहला पिज्जा बना, तो पिज्जा पता है क्या चीज से बनता है? हम पिज्जा घर में बनाता, तुम लोगों को एक दिन बना के खिलाएगा। पिज्जा पता है क्या चीज से बनता है? नीचे में होता है मैदा, क्या एक इतना जल्दी नहीं, मैदा होता है, बेसन होता है, सॉरी मैदा होता है, ठीक। मैदा होता है, उसके अंदर में चीज डालते हैं, ऊपर में अनियन, टमाटो, कैप्सिकम, ये सब रहता है। अच्छा हाँ, मेरा पिज्जा में ये होता है, ठीक। पता है जो जो मटेरियल से ये पिज्जा बना वो डायरेक्ट मटेरियल, जब पिज्जा उठा के खाते हैं दिखता है ना उसके अंदर में क्या क्या है, वो सब है डायरेक्ट मटेरियल। जो लेडी पिज्जा बना रही है, उनको जो वेजेस दिया जाएगा बोलो ये क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रही है पिज्जा का, डायरेक्ट वेजेस। और जैसी एक पिज्जा बन के बिका, तुरंत पता है ये जुबिलेंट वाले को, डोमिनोज को एक रॉयल्टी देना पड़ेगा। यानी पता है ये जो खर्चा है ना पिज्जा को बनाने के लिए, जो मटेरियल यूज किया गया डायरेक्ट मटेरियल, जिस मैडम ने बनाया डायरेक्ट वेजेस, पर जैसे ही पिज्जा बना एक और खर्चा लग रहा है ना जो जा रहा है डोमिनोज को, ये क्या है? रॉयल्टी। अब देखो रॉयल्टी मटेरियल तो है नहीं ना, ये वर्कर का वेजेस है, पर ये खर्चा तो है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो पा रहा है ये पिज्जा बनने की वजह से। पता है इस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी जैसी एक प्रोडक्शन होगा जो खर्चा लग जाएगा वो डायरेक्ट नेचर का है। मटेरियल मटेरियल होता, मैडम का वेजेस होता, जो रॉयल्टी है वो क्या बनने वाला है? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, पॉइंट खाने से मजाक नहीं, खाने से मजाक नहीं। अच्छा ठीक है सॉरी, तू डरा रहे लाइव वाले बैठ के। मेरा पहला है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, मेरा अगला है हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। हाई चार्जेस, आपको बताएगा हायर का मतलब क्या?
खरीदना या उधार नहीं, खरीदना या रेंट पे लेना। कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट गया हुआ है जहां पे बिल्डिंग बिल्डिंग बनता है, ऐसा बनता है कंस्ट्रक्शन साइट गया है, वहां पे देखते हैं वहां पे क्रेन होता है और हटाओ जेसीबी देखा है। मान लो ये कंस्ट्रक्शन साइट है, मैं यहां पे एक बड़ा सारा बिल्डिंग बना रहा हूं। अब बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर उसकी क्या बना रहे हैं ये क्या करना पड़ता है, एक क्रेन को मेरे को हायर पे लेना पड़ा। जो पता है क्रेन किस तरीके से आता है, ऐसे होता है, ऐसे उठाता है, ऐसे रखता है, ऐसे उठाता है, ऐसे रखता है। अब ये जो मेरा खर्चा लग रहा है, ये जो मेरा खर्चा लग रहा है रेंट पे देने का, वो डायरेक्ट नेचर का है। बिल्डिंग जो बना उसमें जो ईंटा लगा, पत्थर लगा, सीमेंट लगा और क्या क्या लगता है, भालू, ओ बालू, बालू का लगा, आज बालू लगा, सैंड लगा, ये जिस चीज से बन रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। जो वर्कर बैठ बैठ के ईंटा लगा रहा है, ये लोग सब जो बैठ बैठ के ईंटा लगा रहे हैं, अच्छा ठीक है तुमको टोल टैक्स वाला बंदा ना, ठीक, इनका वेजेस क्या रहेगा, डायरेक्ट वेजेस। पर भाई जब तक ये नहीं आता तो बिल्डिंग कौन सा बन पाता। अब ये जो इक्विपमेंट आया है ये ना मटेरियल है ना वेजेस है, पर खर्चा तो है जो डायरेक्टली इसी के लिए लगा है, वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मेरा पहला एग्जांपल क्या था, रॉयल्टी। अगला क्या है, हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। ठीक, अगला पॉइंट है, बस चार पॉइंट है, दो और, दो हो गया, दो और। मेरा तीसरा है कॉस्ट ऑफ मोल्ड या पैटर्न। कोई बॉटल, किसी के पास कोई भी बॉटल है, अरे खाली है तो हमको कौन सा पीना है, हाँ लो दो, दो जितना सारा बॉटल मेरे को दे दो, और की बॉटल है एक और दे दो, उतना दूर से आएगा, हाँ भरा हुआ दे, चलेगा। देखो ये हम क्या लेके आया, एक बॉटल, अगला बॉटल, अगला बॉटल, बेचने के लिए लाया दस का तीन। आज एक बात बताओ, तुम लोग जब जब पानी पिया है बॉटल से पिया है, कभी पानी पीने के पहले या पानी पीने के बाद सोचा है यार ये बॉटल का शेप ऐसा क्यों है, सोचा नहीं है, बस पी गया। हम हमेशा पहले सोचता था, जब भी हम पानी पीते हैं, पीता नहीं है, पहले उसको एक घंटा घूरता है कि तू ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कारण होगा ऐसा है। एक बात बताओ, ये जो ऐसा बॉटल बना, क्या लगता है हर एक वर्कर बिल बिल के बैठ बैठ के ऐसा ऐसा बॉटल बनाया होगा, नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब भी बॉटल का शेप देखो, सबका बॉटल का शेप अलग अलग है। ये सारे का सारा बॉटल का जो शेप आया, पता है ये कैसे आया, उसके पहले मेरे को उसके लिए मोल्ड तैयार करना पड़ा। कोई बताओ मोल्ड का मतलब क्या, क्या नहीं, एक अच्छा वर्ड कहीं वहां से आया था, साचा, इसका एग्जैक्ट वर्ड है साचा। यानी क्या होता है, ये जो शेप का है ना, हम इस शेप का एक तो मोल्ड तैयार करता है, फिर क्या करते हैं, प्लास्टिक को मेल्ट करके उसमें डालते हैं, वो बॉटल का शेप में चला गया, उसको तुरंत डालते हैं कूलिंग चेंबर में, एक अच्छा खासा माइनस डिग्री के अंदर में उसको रहने देते हैं, इवेंचुअली जाके कुछ देर बाद जब वो निकालते हैं, वो एग्जैक्ट इस शेप का निकलता है। जान इमेजिन करो, ये जो बॉटल बना ये किस चीज से बना है, प्लास्टिक से, यानी ये प्लास्टिक नहीं है, क्या है ये, कि किसका बॉटल है, क्या चीज से बना है, आई थिंक कुछ भी है, कुछ है, अंदर में एक मेटल है, ऊपर में प्लास्टिक है, यानी जिस चीज से ये बन रहा है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। जो आदमी इसको बना रहा है उसका वेजेस क्या है, डायरेक्ट वेजेस। पर जब तक वो सांचा नहीं होता, जब तक वो सांचा नहीं होता, क्या ये ऐसा बन पाता, नहीं। तो देखो जो सांचा है वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं था, वो डायरेक्ट वेजेस नहीं था, पर इसको बनाने के लिए जरूरत था ना, पता है उस तरह के एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। आखिरी लाइन पॉइंट नंबर 4 एंड दैट्स इट फॉर द डे। मेरा फोर्थ है मैप्स एंड डिजाइन। पांचवा हम खाली लिखवा रहा है, ये हम आज नहीं समझाएगा, ये समझाएगा कल, कि इसमें मेरे को लगेगा थोड़ा टाइम, खाली हम लिखवा दे रहे हैं पॉइंट नंबर 5 जॉब चार्जेस। जो मेरा मैप एंड डिजाइन है वो क्या है, जब भी कहीं पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है तो ऐसा नहीं सीधा काम करना स्टार्ट कर देते हैं,
हमेशा पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जो कौन करता है, एक बड़ा बड़ा आर्किटेक्ट। अरे एक बार सुन लो, अब दो मिनट बाद बस रख लेना, पता है पूरा पूरा क्लास बैठ के बैग में रख रहा है, बोल किसको रहा है। जनरली क्या होता है, जब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट में काम होता है, सबसे पहले उसका मैप और डिजाइन तैयार किया जाता है। अब ऐसा थोड़ी है, चलो एक काम करते हैं, मॉल बनाना है पहले बनाते हैं, अच्छा लगा जो तोड़ देंगे वापस बनाएंगे। तो पहले मैप एंड डिजाइन तैयार किया जाता है। तो जिस चीज से वो मॉल बन रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल, जो आदमी बना रहा है वो डायरेक्ट वेजेस। पर भाई ये सब तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब ये मैप एंड डिजाइन था, और ये मैप एंड डिजाइन है तभी तो ये एग्जैक्ट ऐसा बन रहा है, और हर एक के लिए अलग अलग मैप एंड डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो खर्चा लगा वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो पा रहा है वो इसी मॉल के लिए लगा, पर ये ना मटेरियल था ना वेजेस था, पर इसके लिए डायरेक्ट खर्चा तो था, क्या जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। तुम लोग प्लीज ये पांच एग्जांपल जरूर ध्यान रखना। चलो थैंक यू सो मच। हमारा आज का क्लास होता है खत्म, होगा वो पांचवा क्लास में बताएंगे। आर्किटेक्ट का सैलरी